देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो आपको बताया था उसमें रोज ऐसा था कि प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप। तो लिखिए जरा, पहले लिखना शुरू करो फिर उसके आगे बताते हैं। लिखो ऑल प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप और प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप। लिखना शुरू करिए आज की क्लास में, ऑल प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप और प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, ऑल प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप और प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप। Increases electron charge density. All plus R effective group or plus M effective group increases electron charge density at ortho and para position. Electron charge density at ortho and para position. है ना? In benzene ring. In benzene ring. देखो दोस्त, ऐसा होता है, हमारी बात सुनिए, यहाँ शाइन तो नहीं कर रहे भैया ऑनलाइन वाले? हेलो? नो सर। अच्छा ठीक है, जैसे ये देखो, हाँ बता देना शाइन करे तो। देखो इधर हमने ये बोला कि जैसे आपने कोई एलिमेंट ले लिया, सपोज करो पूरी ग्रुप जी, तो ग्रुप जी जो आपने देखा था इसके अगर सेंट्रल रादर इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आप क्या बनाते थे? ये रेजोनेंस करता था ना अंदर, तो ऐसे तो कहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप करता था? दोनों ऑर्थो पे डेवलप करता था और पैरा पे डेवलप करता था। हाँ, और जी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता था, और जी पे क्या जाता था? डेल्टा प्लस। अरे कुछ याद आ रहा है? जी, ग्रुप जी, तो यहाँ पे क्या होता था? ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता था, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के साथ यहाँ पे डेल्टा डैश प्लस आ जाता था। तो हम लोग ये बोलते थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो इट क्रिएट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आ रहा है भैया? इसका मतलब ऑर्थो पैरा पे डेल्टा नेगेटिव भी बना देता है ये। तो अगर सपोज करो यही, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये बताना चाह रहे हैं, इट क्रिएट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी इसी का यूज करके अभी बताएंगे, लिखना नहीं। बेनिफिट क्या होता है कि सपोज करो यहीं के, मतलब इसके सामने कोई सी एच टू प्लस लिखा है, जैसे आपने कोई बोल दिया, सपोज करिए हमारे पास है ये सी एच टू प्लस, ये राधर यहाँ पे लिखा है ओ एच और यहाँ पे लिखा हुआ है सी एच टू प्लस, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कोई पूछे कैसे स्टेबल आप कह रहे हो, ऐसा होता है ये सी एच टू प्लस का पॉजिटिव चार्ज पहली बात तो बेंजीन में रेजोनेट करेगा, रेजोनेट करने के साथ साथ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जब बेंजीन रिंग में आएगा तो यहाँ पे एक माइनस भी तो डेवलप कर देगा, उस माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कुछ ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर हम लोग सिर्फ नॉर्मल सा सी एच टू प्लस लगा देते हैं। यहीं पे सी एच टू प्लस लगा दो और एक बार सी एच टू प्लस के ऊपर ओ एच लगा दो तो ये ज्यादा स्टेबल होएगा दोस्त। तो आप क्या बोलोगे, इसका इस ओ एच का कौन सा इफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल है? देखो बेंजीन में रेजोनेंस तो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इस ओ एच के हम प्लस आर इफेक्ट या उसको टू बी वेरी प्रिसाइज प्लस एम इफेक्ट बोल सकते हैं, है ना, उसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। कोई बोले सर ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है OH, इसका थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट भी होगा, तो ठीक है प्लस एंड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं, आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट इज आर मच मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा हो सकता है माइनस आई भी हो क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन बहुत छोटा सा माइनस आई होगा। समझ में आ रहा है भैया सबको कि OH का नो डाउट भाई बहुत प्लस एम इफेक्ट लग रहा है या प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन वो प्लस एम प्लस आर काफी ज्यादा होगा और जो माइनस आई होगा वो काफी छोटा होगा, तो उसकी वजह से ये सी एच टू प्लस ज्यादा स्टेबल है अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करोगे। बताओ दोस्त, तो पहले तो आप ये लिख लो, अच्छा सुनो, जिसके की एटम पे, की एटम पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, इसे की एटम बोलते हैं। तो भैया की एटम पे अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप है। तो अगर आपसे कोई बोले कि ऑल प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, रादर प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप जो होते हैं, प्लस आर या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप्स अगर आप लिखना चाहते हो एक साथ, तो बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके की एटम पे लोन पेयर होने चाहिए। नहीं समझ रहे हो भैया? तो प्लस आर या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप्स की खास बात क्या होती है? दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वैसे ओवरऑल चार्ज भी बेंजीन में बढ़ा देते हैं भाई, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका ट्रांसफर टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग हो गया, और टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग का मतलब है पूरी की पूरी बेंजीन रिंग पे डेल्टा माइनस डेवलप कर दिया,
अगर बेंजीन के कंपेयर में कोई पूछे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी क्या होगी, तो ज्यादा होगी इसकी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा डीलोकलाइज होता है, आपको पता है यार कुछ हल्का फुल्का आइडिया। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है कुछ, और जब आपने प्लस आर इफेक्टिव या प्लस एन इफेक्टिव ग्रुप ले लिया तो उसने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दिया। कोई बोले बेंजीन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप और प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, कोई बोले स्पेशली किस पोजीशन पे बढ़ी होगी, तो बोलोगे ऑर्थो और पैरा पे। बढ़ी तो ओवरऑल होगी, जैसे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं ना। कोई बोले इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या कहना चाहते हो, अरे तीन पाई इलेक्ट्रॉन है, तीन पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है तीन, थ्री पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग, समझ रहे हो। लेकिन ये जो प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप है इसकी वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ जा रहे हैं अंदर, तो जितने भी प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप होते हैं दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, है ना। लेकिन कोई पूछे स्पेशली कोई पोजीशन होती है जहां पे इंक्रीज करते हैं, बोलोगे ओवरऑल चार्ज डेंसिटी भी बेंजीन की इंक्रीज करते हैं और स्पेशली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भी इंक्रीज करते हैं ना भैया। तो इसका मतलब है, कोई बोले ऐसे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट या ग्रुप जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ा सकता है। जैसे मतलब और स्पेशली वो किन किन पोजीशन से बढ़ाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ओवरऑल भी इंक्रीज करेगा और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भी बनाएगा। जैसे जी, जी बोले तो कोई ये हो गया जी एलिमेंट जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई बोले जी हो क्या सकता है, जी कोई भी हो सकता है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसे बेंजीन के साथ हम कोई बोले हम लगा देंगे एन पे माइनस टू, बिल्कुल इसके पास तीन तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं जानते हो, बहुत बढ़िया दोस्त। फिर कोई बोले हम सर लगा देंगे ओ पे माइनस, बिल्कुल लगा सकते हो आप चाहो तो एस पे माइनस, सल्फर पे माइनस, ये भी लगा लो, इसके पास भी थ्री थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्जेस है, वो माइनस टू वाला भी है। आपसे कोई बोले एन आर टू, आर मतलब कोई अल्काइल ग्रुप, इसके पास लोन पेयर होता है ना दोस्त। आप एन एच आर भी ले सकते हो, एन एच आर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। आपका मन करे आप एन एच टू भी ले सकते हो, इससे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। आप ओ आर भी ले सकते हो, ऑक्सीजन के पास कई लोन पेयर है। ओ एच भी ले सकते हो, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सारे के सारे प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप हैं, अभी और भी हैं। कोई बोले हैलोजन्स ले सकते हैं, हैलोजन्स बोले तो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हैलोजन भी ले सकते हो, समझ रहे हो भैया। एस एच ले सकते हो तुम्हारा मन करे तो, एस एच ऐसे एस एच ले सकते हो। आपका मन करे कोई भी हैलोजन ले लो, हैलोजन क्या होते हैं, अरे फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, होता तो इनके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन हो जाएगा, और ये फ्री वैलेंसी दिखा रहे हैं आयोडीन ऐसा, फ्री वैलेंसी क्लोरीन, फिर कॉमा करके फ्री वैलेंसी क्लोरीन ऐसे, फ्री वैलेंसी ब्रोमीन एंड फ्री वैलेंसी आयोडीन, ये भी हो सकते हैं। कोई बोले और ऐसा ये भी हो सकता है, एन डबल बॉन्ड ओ करके एक लिखा जाता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी हो सकता है, एस डबल बॉन्ड ओ और R एक चीज है जिसमें लोन पेयर है। तो किसी के पास भी अगर फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रादर लोन पेयर है, तो वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस एम इफेक्ट के प्लस आर इफेक्ट करके, इसको कहा जाता है प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप भी होगा, प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप भी इनको कहा जाता है, ठीक है। कोई बोले सर इन ग्रुप्स के माइनस आई प्लस आई भी तो हो सकते हैं, वो अलग चीज है कि इनके माइनस आई प्लस आई हो गए। जैसे ग्रुप जी जो होगा ठीक है, जिसके पास उसका नहीं पता, लेकिन नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है तो इसका लकीली प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, ओ पे माइनस है इसका प्लस आर तो लग ही रहा होगा ड्यू टू हैविंग फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका प्लस आई भी लग रहा होगा ड्यू टू माइनस चार्ज। और सल्फर का भी आप बोलोगे कि लोन पेयर है तो ये जा रहा होगा अटैक करने, प्लस आर इफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन ड्यू टू हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इसका प्लस आई इफेक्ट भी होगा। एन आर टू जो लिखा है ड्यू टू हैविंग फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट लगेगा, लेकिन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं हार्डली बहुत कम होते हैं, देखो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है इंडक्टिव, तो जितने प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो पावरफुल रादर डोमिनेटिंग होते हैं एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, समझ रहे हो भैया। तो इतने आपको लिखने हैं, इनमें से ये जो होते हैं और ये थोड़े अलग सेगमेंट के, मतलब लिखो आप इन सबको, है ना, ये लास्ट के तीनों थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर लेना, इनको थोड़ा अलग पढ़ाएंगे। X मतलब हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे करके कई तीन तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सबको लिखो। ये सारे के सारे प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप्स हैं, प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप्स हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन चेन या बेंजीन रिंग की तरफ भेज देंगे। अगर ये बेंजीन से एसोसिएटेड है
सो दे क्रिएट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन स्पेशली, है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप. ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेस. और कोई पूछे स्पेशली कहाँ कहाँ इंक्रीज होती है, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इंक्रीज होती है, जैसा हम आपको प्रीवियस क्लासेस में प्रूव करके दिखा चुके हैं. ड्यू टू हैविंग अ प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ ये फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रेजेंट एट की एटम. की एटम पे फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टूवर्ड्स द कार्बन चेन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा. और अगर टूवर्ड्स द कार्बन चेन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है, आपको प्रीवियस क्लासेस में दिखा चुके हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यूज करके, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में डेल्टा माइनस बनाता था. तो जितने भी फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज होते हैं एसोसिएटेड विद अ कार्बन चेन कैन बिहेव लाइक प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप इफ आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद अ मल्टीपल बॉन्ड. ये सारे के सारे प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप है या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप है, आप लोग देख लो इनको. और ये सब के सब फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं. तो अगर आपने बेंजीन से लगा दिया तो स्पेशली द इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. और स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं तो आपको पता है क्या होने वाला है. और हो सकता है इनके प्लस एम माइनस आई भी होते हो, लेकिन मतलब प्लस एम प्लस आई भी हो सकते हैं. तो ये प्लस आर प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप है. अगर बेंजीन के डेरिवेटिव्स के साथ अगर यही प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप रहे तो उनको प्लस एम बोलते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो ये प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप है इनको प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप भी बोला जाता है. और नॉर्मल कोई चेन होगी तो इसको प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप बोलते हैं. एग्जाम में प्लस आर लिखा हो वो भी सही है, प्लस एम एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लिखा जाता है जैसे बेंजीन या उनके डेरिवेटिव्स. तो ऑल प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बन चेन या टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग. ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इज हायर इन प्रेजेंस ऑफ अ प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन रिंग. टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर कोई पूछेगा कि भैया ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किन किन पोजिशन पे एक्सट्रीमली हायर है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. जल्दी इसको कॉपी करो. अगर डस्टर लो, डस्टर डस्टर समझे भैया. तो ये हो गया, तो ये लिख लिया ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं. अब देखिए कॉपी कर लियो इसको. ऑनलाइन वालों दिख रहा है भैया, कहीं शाइन तो नहीं कर रहा है बोर्ड? नो सर. अच्छा ठीक है, चलो ये हो गया. तो प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप आपको समझ में आ गया है ना. लास्ट के तीन थोड़ा सा अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे. लास्ट के तीन जो लिखे हैं होते प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप है, लेकिन कुछ इनमें एक अलग चीजें होती हैं, अभी आपको बताएंगे. वैसे तुम लोग तो जानते ही होगे क्या इनकी स्पेशल बात होती है. ये स्पेशल बात इनकी क्या होती है? बिल्कुल, प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप होते हैं दे ऑल, मतलब ऑल्दो दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, लेकिन ओवरऑल इनका बिहेवियर जो होता है ड्यू टू वेरी हाई माइनस आई इफेक्ट ये स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं. अभी थोड़ी देर बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे बता देंगे आपको. लेकिन अभी इन तीनों को लास्ट में लिखना. हैलोजन जितने भी होते हैं ऑल्दो दे आर प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप, समझ रहे हो, प्लस आर या प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप. ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप मतलब कि अगर बेंजीन पे हैलोजन लगा दोगे या एन डबल बॉन्ड हो लगा दोगे, एस डबल बॉन्ड हो लगा दोगे, तो दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मतलब दैट मीन्स दे क्रिएट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. लेकिन इनका माइनस आई इफेक्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है इन तीनों का,
तो स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं जो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है। आप लोग कल पास में हो इसलिए हमको लगा कुछ लोग कुछ हेजिटेट कर रहे थे इसलिए हमने बता दिया इसको, ठीक है। तो ये प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप हो गए। तो अगर प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप के बेसिस पे, अच्छा ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, वैसे ही हम माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप भी लिख रहे हैं, माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप, माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप लिखिए, वही कॉपी में समराइज कर रहे हैं ना इसको, माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप, इसको बाद में भी बताएंगे, माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप लिखिए, माइनस आर माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप में एक खास बात होती है कि जितने भी माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दे मस्ट कंटेन एटलीस्ट अ मल्टीपल बॉन्ड, लिखिए, ऑल माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप, ऑल माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स कंटेन ऑल माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स कंटेन एटलीस्ट अ मल्टीपल बॉन्ड, ऑल माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप कंटेन्स एटलीस्ट अ मल्टीपल बॉन्ड, है ना भैया, एटलीस्ट अ मल्टीपल बॉन्ड, जितने भी माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं दे कंटेन एटलीस्ट अ मल्टीपल बॉन्ड, तभी तो रेजोनेंस होगा बेंजीन के, समझ रहे हो भैया। अब देखो जैसे हम बेंजीन की बात कर रहे हैं प्रिसाइजली हम माइनस एम की बात करेंगे ना, क्योंकि बेंजीन वाला ज्यादा आप यूज करने जा रहे हैं। तो जैसे कोई बोले कि सर हमारे पास ये है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बेंजीन हो गया, और हमारे पास लिखा है सपोज करो CHO, CH डबल बॉन्ड O, तो ये माइनस इफेक्ट माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और आपने लगा दिया किसी सिस्टम से, तो ओवरऑल ये क्या करता कहाँ कहाँ, क्या नेगेटिव बनाता है या पॉजिटिव बनाता है, क्या करता है ये, तो हाँ तो ये क्या करता है हर जगह, तो सर्कल ऐसे बेंजीन और यहाँ ऑर्थो पैरा पोजीशन, तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, बिल्कुल दोस्त बहुत बढ़िया, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे जनरेट करेगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, अरे प्रीवियस क्लास में दिखा डेल्टा डैश माइनस, तो इसका मतलब ये है कि अगर माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप लगाते हो आप किसी कार्बन चेन से जो कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, तो इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बन चेन, दैट मींस अल्टरनेट पोजीशंस पे, अल्टरनेट जहां पे फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन पे आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया है उसके बाद से अल्टरनेट कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाना शुरू कर देगा, और अगर वही बेंजीन हुआ तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस कार्बन से लगा है उसके बगल वाले पे, फिर एक छोड़ के फिर बगल वाले पे, फिर एक छोड़ के फिर बगल वाले पे, समझ रहे हो, अरे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल वाले को छोड़, सॉरी उसके इमिडिएटली बगल वाले पे चार्ज बनाएगा, फिर इसको छोड़ देगा, फिर इस पे बनाएगा, फिर इसको छोड़ देगा, इस पे बनाएगा, अगर माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, अगर यही प्लस आर प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप होता तो इन पोजीशंस पे माइनस बनाता चार्ज, तो इसका मतलब ये है जितने भी प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप होते हैं वो तो माइनस चार्ज डेवलप करते हैं और तो पैरा पोजीशंस पे, लेकिन जितने भी माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप या माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो जिस कार्बन पे लगे होते हैं उसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेट पोजीशंस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, बताओ yes. कोई बोले कौन कौन से, हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, कोई बोले कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में देखो जो हम बता रहे हैं, एस डबल बॉन्ड ओ लिखा है, एस डबल बॉन्ड ओ लिखा है और यहाँ पे लिखा है आर, सपोज करो ऐसे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही बेंजीन लगा दो, बेंजीन बोले तो पीएच, समझ रहे हो, पीएच मतलब फिनाइल, या आप इसकी जगह पे आप ऐसे भी लगा सकते हो सी या डबल बॉन्ड ओ, अरे डायरेक्ट लिख दे भैया एस डबल बॉन्ड ओ, जगह नहीं है ना, छोटा छोटा हो जाएगा, चलो लिखवाते हैं अभी फिर लिखवाएंगे, पहले इतना लिखो, इतना कॉपी करो जल्दी, कॉपी करो फिर एक साथ लिखेंगे ना ढेर सारा, कॉपी करिए, जल्दी करो दोस्त,
भैया क्या हो गया, जल्दी करते जाओ दोस्त। पीएच 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 ऐसे जो भी है। देखिए कॉपी कर लिया उसको। सुनो तो इसका मतलब जो माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप है या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप है, माइनस आर का मतलब अगर किसी नॉर्मल कागज चेन से लग गया, माइनस एम का मतलब है अगर बेंजीन से लगा हुआ है। तो दोस्त क्या ये वाला जिस कोई भी मल्टीपल बॉन्ड जो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है? तो खैर करेगा क्यों, क्योंकि इधर पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड बना है। तो भैया ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी। इसको पीएच लिख दिया, बेंजीन बोले तो पीएच, C6H5 बोलते हो ना उसको, पीएच को। अरे C6H5 भी तो बोला जा सकता है। तो ये सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं। दैट मींस दे क्रिएट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये लिखा था आपने कि दे क्रिएट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। लिखो जरा, ऑल माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप, ऑल माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप, माइनस आर भी कर लोगे कोई गलती थोड़ी है, ऑल माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप क्रिएट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑल माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप, ऑल माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप क्रिएट, ऑल माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप क्रिएट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्रिएट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, है ना भैया, क्रिएट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन यू माइनस एम लिख लो। सिमिलरली ऑल प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, नेक्स्ट लाइन में सिमिलरली ऑल प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, सिमिलरली ऑल प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, similarly all plus m effective group creates partial similarly all plus m effective group creates partial negative charge, similarly all plus m effective group creates partial negative charge at ortho and para position, similarly all plus m effective group creates partial negative charge at ortho and para position, similarly all plus m effective group creates partial negative charge at ortho and para position, है ना, ठीक है। अब माइनस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट हो गया, इनके बेसिस पे हम आपको बताते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। लिखो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन, पूरा लिखते जाना, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। पहले सिंपल सिंपल से बता दें आपको, ये तीन लिखे हैं, सपोज एक एक क्वेश्चन कराएंगे ना, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। क्वेश्चन नंबर वन देखो दोस्त, पहले वाले में हमने यहाँ पे लगा दिया H, वैसे नहीं लगाओगे तब भी अंडरस्टूड होता है H तो रहता ही है, कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी है ना, ठीक है दोस्त। अब देखिए इधर दूसरे वाले में, देखो दूसरे वाले में हम लगा देते हैं सपोज करो NH2 एंड तीसरे वाले में लगा देते हैं, सपोज करिए हम लगा देते हैं NH- NH पे माइनस, और एक और भी लिख लो यहीं पे बगल में, अभी हम चेंज भी करेंगे इनको बाद में। यहाँ पे CH2 प्लस है और नीचे आपने लिख दिया सपोज करिए N पे माइनस टू। चलो बताओ कैसे लिखोगे,
4-3-2-1 4-3-2-1 बता रहे हैं सर। अब सुनो इसका लॉजिक तो समझो, मतलब देखो आंसर करना इजी होता है, बहुत सारे तरीके आप लोग जानते हो, लास्ट ईयर सबको बताया गया होगा कुछ ना कुछ, ट्वेल्थ पास में हो। CH2+ 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 बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने रेजोनेंस दिखाया, बेंजीन में रेजोनेंस करेगा ये, तो ये जो CH2+ है वो बेंजीन में सब में इक्वली रेजोनेंस करेगा, सब में इक्वली रेजोनेंस करेगा, तो CH2+ के बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से इक्वल स्टेबिलिटी सब में आ गई होगी, तो उससे आप डिटरमाइनिंग, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, वो सब में कॉमन है। फिर आता है कि हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा, मतलब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बेंजीन में डीलोकलाइज कर रहा है, इस कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी बेंजीन में डीलोकलाइजेशन की वजह से तो है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, तो जब भी की एटम पे लोन पेयर होता है क्या उसका प्लस एम इफेक्ट लगता है, तो इसका प्लस आर इफेक्ट या इसको बोल सकते हैं प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्लस एम के साथ साथ ये नाइट्रोजन क्या है, ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा, तो नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी तो होता है दोस्त, तो कहेगा ऐसा हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा माइनस आई भी लग रहा है इसका, थोड़ा सा माइनस आई, छोटा सा माइनस आई लिख रहे हैं, तो NH2 का प्लस एम ज्यादा है, प्लस एम इफेक्ट इज मच मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन माइनस आई थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, उससे वो क्या करेगा वापस खींच लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, बींग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भले ही वो डोनेट कर रहा है, लेकिन चाहेगा ना कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें तरफ शिफ्ट आ जाए, तो इसी को तुम आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। NH माइनस में आओगे तो ये बोलेगा हम भी प्लस एम इफेक्ट दे रहे हैं, और प्लस एम क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई ना इसके पास, प्लस एम के साथ साथ इसका प्लस आई भी लग रहा है, और प्लस आई ठीक ठाक है, प्लस आई समझ रहे हो ना दोस्त, अरे किसी भी नेगेटिव चार्ज जिसके एलिमेंट के पास आ गया वो अपनी विसिनिटी में शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनको रिपेल करेगा ना, इन्फिनिटी से भी इलेक्ट्रॉन लेके आओगे किसी नेगेटिव चार्ज के पास तो वो नहीं एक्सेप्ट करता है, तो उसकी विसिनिटी में जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खुश हो जाएगा कि हम तो बेंजीन में रेजोनेंस हो ही रहे थे और किसी ने हम पे प्लस एम इफेक्ट से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ा दी, और प्लस एम इफेक्ट के बाद प्लस आई इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ भेज दिया, प्लस एम इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, अभी जितने भी प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप होते हैं वो अपने ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव बनाएंगे, नहीं समझ रहे हो, हाँ तो ये अपने पैरा पोजिशन पे जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज खुश नहीं हो जाएगा कि भैया हमारे ये देखो हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव बनवा रहे हैं, दिख रहा है ऑनलाइन वालों को, छोटा तो नहीं दिख रहा भैया, नो सर नहीं दिख रहा, अच्छा हाँ, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे जितने भी प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप होते हैं वो डेल्टा माइनस डेवलप करते हैं, तो दोस्त अगर ये डेल्टा माइनस डेवलप करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को ही तो बेनिफिट है कि उसके एकदम हेड पे कोई माइनस बना रहा है तो वो प्लस माइनस स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो जितने प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप होते हैं वो एक दे क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रादर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो अगर आपने यहाँ पे बना दिया है कोई मतलब पॉजिटिव तो ये माइनस पॉजिटिव स्टेबलाइज हो जाएगा, वही चीज ये प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप भी करेगा, तो प्लस एम वाला भी अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव बनाएगा तो उससे भी ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और लास्ट वाले में तो प्लस एम इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आई कुछ एनॉर्मस अमाउंट में लगेगा, प्लस आई इतना ज्यादा लगेगा कि पहली बात दो दो नेगेटिव चार्ज, और दो नेगेटिव चार्ज है तो अपनी विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो कभी भी इन्फिनिटी से भी इलेक्ट्रॉन लाओगे ट्रिपल करेगा, और दो दो नेगेटिव चार्ज है तो बहुत ट्रिपल करेगा, तो अगर तुमने ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे यहाँ पे रख रखे हैं नाइट्रोजन पे माइनस के बगल में, उनको तो कुछ ज्यादा ही रिपेल करेगा, ये सब वापस भेज देगा उस तरफ, बताओ दोस्त, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा दोस्त, रीजन समझो आप लोग, अरे ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है भैया क्या हम प्लस आई बढ़ाते जा रहे हैं, यस सर, रीजन देखो आपको पता जरूर रहा होगा पहले कैसा हो रहा है, लेकिन आप रीजन अब समझ में आ रहा है लोगों को कि प्लस एंड इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ठीक है बढ़ रही है ना, लेकिन क्या है कि ये जो ये NH माइनस और N पे माइनस टू एन के प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रखते हैं, किसी एलिमेंट पे जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाते हो उसको इन्फिनिटी से भी इलेक्ट्रॉन लाओगे रिपेल करेगा, और गलती से तुमने कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ रखे हैं तो उनको और धक्का देगा, और धक्का देगा किधर करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा उसका, वो CH2+ के पास जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चाह रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन दो, और ये चाह रहा है हमारी विसिनिटी में आने वाले इलेक्ट्रॉन को ले जाओ उस तरफ, ठीक है भैया, रीजन यही है प्रिसाइसली, बाकी रटने के तरीके और भी होते हैं, ठीक है दोस्त, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको,
ऑनलाइन वाला बहुत नॉइस तो नहीं आ रही आप लोगों को, डिस्टर्ब नहीं? नो नो सर। सर। ठीक है, चलो जल्दी करो भैया इसको बनाओ। रीजन पूरे आप लोग लिखते चले जाना, कौन स्टेबिलिटी कैसी क्या किसकी, किसका प्लस है इफेक्ट, किसका प्लस आई इफेक्ट, एप्लीकेशन आप जानोगे तभी सही रहेगा। जल्दी करो दोस्त। ये तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और लिखे हैं। रीजन उनका प्रॉपर प्लस आई माइनस आई, मन से लिखना भैया तुम लोग, ये नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो, जो जैसे समझाया है उस हिसाब से लिखो। वो हमने उधर पॉजिटिव नेगेटिव करके लिखे हुए हैं, इनकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। कर सकते हो आप लोग, कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं कर। चलो बनाओ इन सबको, स्टेबिलिटी बताओ इनकी, बताओ दोस्त। हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानबूझ के बना दिए जिससे तुम्हारे लिए इजी हो जाए चीजों को समझना। बनाते चले जाओ भैया, जैसे बता रहे हैं वैसे।
हर वैरायटी ट्राई करेंगे कि आपको पता लग जाए। कि ऐसा ना हो किसी पर्टिकुलर टाइप का केस आपसे छूट जाए। ऑनलाइन वालों कहीं बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है ये लास्ट वाला जो लिख रहा है, सब समझ में तो आ रहा है आप लोगों को ना? यस सर। NH2 ये NH2 है किनारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। चलो दोस्त ये हमने क्वेश्चंस दिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ जरा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कंपेयर करो। 312 बता रहे हो, बहुत बढ़िया दोस्त। सुनो तो, सुन तो लो, हम वही तरीका जो जानते हैं उसी को बता रहे हैं, कुछ ऐसा थोड़ी अलग से कर रहे हैं। CH3 पहली बात तो ये जो CH2+ है, CH2+ है, ये पूरे बेंजीन में 3 pi इलेक्ट्रॉन जो है, ये 6 pi इलेक्ट्रॉन रिंग में डिलोकलाइज करेगा। तो ठीक है, इस पूरे बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज करने की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी तीनों में इक्वल आएगी, है ना दोस्त? इसमें भी इक्वल आएगी। अब जो डिफरेंस क्रिएट करने वाला है वो ये पैरापोजिशन से लगे हुए जो सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है अभी तक कौन सा जानते हो भी तुम लोग? प्लस आई। बहुत ज्यादा प्लस आई होता नहीं, ठीक है मान लेते हैं प्लस आई होता है, थोड़ा बहुत होता है प्लस आई, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भेजेगा इसकी तरफ, तो ये CH2+ बोलेगा ठीक है हमारी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन भेज तो रहा है, थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। NO2 पे आ जाओ दोस्त, NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? NO2 का आपको हम लास्ट क्लास में दिखा चुके हैं, पावरफुल माइनस एम इफेक्ट होता है। -m अच्छा खासा -m होता है, और -m के साथ साथ कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, तो -i भी तो लगेगा अच्छा खासा -i इफेक्ट में, तो -m भी लगेगा और ढेर सारा -i भी लगेगा। -m -i कुछ ज्यादा ही है, समझ में आ रहा है दोस्त? -m -i NO2 का। OH के केस में आ जाओ, ऑक्सीजन के पास प्लस एम फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए लगेगा प्लस एम, लेकिन दोस्त इसमें माइनस आई लगेगा। ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से होता है, तो थोड़ा सा माइनस आई भी तो लगेगा, थोड़ा माइनस आई। NO2 के कंपैरिजन में माइनस आई बहुत कम होगा, NO2 के कंपैरिजन में माइनस आई बहुत कम होगा। OH के लिए लिख रहे हैं, और यहाँ पे NO2 के लिए लिखा हुआ था ना, NO2 ज्यादा पावरफुल माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई का ऑर्डर देख लेना। और वैसे भी NO2 में ज्यादा तीन आइटम है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और OH में सिर्फ अकेला एक ऑक्सीजन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका माइनस आई कम होगा OH का, और इसका वाला माइनस आई कुछ ज्यादा नहीं होगा NO2 का। तो इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज क्या चाह रहा था, हमारी तरफ इलेक्ट्रॉन भेजो तुम, ये साले सब खींचे जा रहे हैं उससे, -m -i वाले क्या करेंगे, उससे तो पुल कर ले रहे हैं ना, उसकी तरफ हमें भेजना चाहिए था तब वो स्टेबलाइज होता, तो हाईली अनस्टेबल सेकेंड वाला होगा। अब रीजन लिखो इसका, कोई डाउट है तो पूछो, रीजन ऐसे लिखो। आगे चल के हम सब शॉर्टकट यूज करेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी, इसलिए पहली बार थ्योरी बता दे रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में, आगे चल के शॉर्टकट यूज करेंगे। जल्दी कॉपी करिए, रीजन पूरा लिखा करो कि भैया वो ऑर्थो पैरा पे अपना चार्ज डेवलप करेगा, ये वो इस तरीके। स्टेप बाय स्टेप समझो, समझे भैया? हटा दे इसको, कॉपी कर रहा हूँ अभी पूरा रीजन। देखो जितना अपनी कॉपी में लिखोगे सारी थ्योरी
उतना ही चांसेस है कि आपको लॉन्ग टाइम में याद रहेगा, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे जिस तरह समझाया जा रहा है, जरूरी नहीं आपको बुक्स में लिखी मिले, हर चीज बुक्स में थोड़ी लिखी मिल सकती है। पहले पढ़े हुए हो ठीक है, मानते हैं 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, इसलिए कुछ चीजें हम शॉर्टकट में भी निकाल देते हैं, लेकिन अब क्या है कि जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत आगे आने वाली है वो तो बताना ही पड़ेगा। हटा दे रहे हैं दोस्त, हम ये चाहते हैं जहां पे CH2+ लिखा है उसको स्टेबलाइज होना चाहिए, CH2+ की तरफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, CH2+ को ये फील होना चाहिए कि हमारी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन भेज रहा है या हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कोई कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा, जब उसका डीलोकलाइजेशन होगा या लोग उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, समझ रहे हो? कोई भी कार्बोकैटायन सिर्फ यही तरीके। अब देखिए जैसे ये CH2+ है, एथर्ड वाला एग्जांपल, सॉरी CH2+ है, तो देखो एक कार्बोकैटायन कब स्टेबलाइज होगा, जब डीलोकलाइजेशन होगा, उसका डिस्पर्जन होगा। अभी तो बेंजीन में, तो तीनों बेंजीन में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसका भी इसका भी इसका भी, तो तीनों CH2+ ये बोलेंगे देयर इज नो सच डिफरेंस जिसकी वजह से हम अपने आप को एक्स्ट्रा स्टेबल बोल पाए, क्योंकि इनमें तीनों में ही बेंजीन में रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी तरफ अब कुछ और कोई और सपोर्टिंग फैक्टर होगा जो इसको ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, पहली बात सल्फर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से ऑक्सीजन लगे हैं मल्टीपल बॉन्ड, तो इधर की तरफ तोड़ लेगा, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, तो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट लगेगा इसका, समझ रहे हो? और ये सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस एम इफेक्ट तो लगेगा ही, माइनस एम के साथ साथ ठीक ठाक अच्छा खासा माइनस आई भी लगेगा, क्योंकि सल्फर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस एम भी लगेगा इसका, माइनस आई, तो माइनस एम माइनस आई से जो कार्बोकैटायन बेचारा भूखा बैठा था इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए या पुल कर लेगा उससे, समझ रहे हो दोस्त? अबे ये चाहता था, ठीक है। अच्छा OH पे आ जाओ, इस पे नीचे OCH3 पे, ऑक्सीजन के पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो होते हैं, देता वो हमेशा एक ही है, तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, तो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा बिल्कुल, लेकिन इसका माइनस आई भी तो होगा, माइनस आई इसका माइनस आई से वापस भी खींचेगा, उससे कम होगा इसका माइनस आई, ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा माइनस आई होगा, थोड़ा सा माइनस आई इसका भी होगा, लेकिन प्लस एम से क्या हुआ, प्लस एम इफेक्ट इज मच मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली स्टेबलाइज फील करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को लगेगा कि हम बेंजीन में डीलोकलाइज होके भी स्टेबल हो गए, ऊपर से किसी के प्लस एम इफेक्ट की वजह से भी हम स्टेबल हो गए, किसी के प्लस एम इफेक्ट से वो कैसे स्टेबल होगा, क्योंकि ये इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे डेवलप करेगा। अबे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके बाद ऑल्टरनेट पोजिशन पे डेल्टा माइनस डेवलप करता है, तो डेल्टा माइनस जब यहाँ पे डेवलप करेगा तो जिस कार्बन पे CH2+ है वहां पे तो डेल्टा माइनस डेवलप कर रहा होगा, तो प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप का मतलब है कि ये स्टेबलाइज कर देगा। NHCH3 में आ जाओ, नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होता है दोस्त, ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, और नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई भी लगाएगा, इसका माइनस आई कितना होगा, O से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, इसका मतलब बहुत थोड़ा सा माइनस आई, बहुत थोड़ा सा माइनस आई, तो देखो प्लस एम वाले दो हो गए, प्लस एम वाला ओ भी है, प्लस एम वाला एन भी है, तो प्लस एम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन माइनस आई अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा है, तो जितना प्लस एम से भेज रहा होगा अपने माइनस आई से थोड़ा सा वापस से पुल कर लेगा वो, तो इसका मतलब है कि NH वाला जो है वो प्लस एम से दे रहा है और माइनस आई से उतना ज्यादा पुल नहीं कर रहा है, तो क्या 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 फिर 1 आएगा, लिख लो सारा रीजन, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले सारा रीजन लिख लेना, टाइम दे रहे हैं तुम्हें 1-2 मिनट का, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद जानते हो जब तुम लोग डाउट पूछते हो, हम देख रहे हैं लास्ट ईयर भी देखे थे, डाउट यही सब पूछते हैं सर वो कैसे माइनस आई कैसे, अब तुम ध्यान से देखते नहीं हो तो फिर बताना पड़ता है, फिर टीचर को भी इरिटेट करते हो इसी में सब वही चीजें पूछ पूछ के, मतलब टू द पॉइंट, इसलिए कॉपी में लिख लिया करो, उसको रिवाइज किया करो, बताने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हर साल पूछते हैं लोग तो बताते नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट भी टाइम के साथ अपग्रेड करें ना अपने आप को, अपडेट करें,
दुनिया इवॉल्व हो रही है, तुम भी अपने आप को इवॉल्व करो। अच्छा ठीक है, इसी चलो दोस्त। जल्दी करो भैया, प्लस एम माइनस आई ऐसे करके फोर्थ और फिफ्थ वाले पे आ जाओ, एग्जांपल नंबर फोर एंड एग्जांपल नंबर फाइव। रीजन हम बता देंगे, वैसे काफी लोग स्मार्ट हो, उसमें जानते हो चीजों को, ठीक है फिर भी हम बताना तो काम है ना। अरे ये समझ गया थर्ड वाला, चलो फोर्थ बताओ। हाँ दोस्त, फोर्थ में बता रहे हैं सर 3-2-1 इजी है। सुनो तो इफेक्ट्स अगर देखो, सुनो हम स्टेबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं बे, जो अनस्टेबल है उसी की स्टेबिलिटी चेक करते हो। अनस्टेबल क्या है, CH2+ जिसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जब वो थोड़ी देर डीलोकलाइज करके अपने आप को स्टेबलाइज फील करेगा, तो पूरे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन हो गया तो अपने आप को वो क्या करेगा, स्टेबलाइज फील करेगा। तो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन इस CH2+ का इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, है ना, तो मच डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि इक्वल यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। फिर आता है इस पे OH2+ पे, OH2+ का कौन सा इफेक्ट, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, कौन सा इफेक्ट लगता है, यही तो गलत कह रहे हो, प्लस एम लगता ही नहीं, सिर्फ माइनस आई लगता है, सिर्फ माइनस आई लगता है और बहुत पावरफुल माइनस आई लगता है। कोई बोले सर लो प्लस एम तो हम तो जानते हैं फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सुन लो ऑक्सीजन के अगर अदर किसी भी एलिमेंट, दुनिया में कोई भी एलिमेंट हो, मोर देन वन इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भले रखता हो कोई एलिमेंट, ऑल्दो किसी भी एलिमेंट के पास मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट हमेशा एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का करता है किसी भी जगह पे देख लो। तो भले इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बचा रह गया, लेकिन एक बार वो कोऑर्डिनेट कर, एक बार पॉजिटिव आ गया ना ऑक्सीजन पे, एक बार पॉजिटिव बन गया तो कभी भी दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहीं नहीं करता। तो जो लोग प्लस एम बोल रहे हो वो गलत है, प्लस एम होता ही नहीं इसमें, ये गलत है, इसको काट दो, प्लस एम नहीं, सिर्फ माइनस आई होता है और बहुत पावरफुल माइनस आई होता है, माइनस आई वाला ऑर्डर जाके देख लेना। प्लस एम इसका अगर कह रहे हो तो गलत है, तो बोल देना ऑक्सीजन कभी भी दो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं रख सकता, कभी भी नहीं रखेगा किसी भी मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन पे कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में दो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो इसलिए भले ही पेयर, इसलिए कंफ्यूज किया था हमने तुम्हें, OH2+ बोलते हैं ना, नहीं तो तुम OH2+ पहले भी देखे हो लेकिन इस तरीके लिखा हुआ नहीं देखे थे, तुम अड़ जाओ नहीं नहीं वो लोन पेयर है, लोन पेयर है, वो नहीं करेगा। तो उसको मेंशन कर लो भैया ऑक्सीजन के सिर्फ किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन पड़ा हुआ है तो हमेशा सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके ऊपर, दो पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते हैं। तो सिर्फ बहुत पावरफुल माइनस आई इफेक्ट लगने वाला है इसका, बहुत ज्यादा पावरफुल माइनस आई। अब इसमें आ जाओ, अच्छा ये समझ गया भैया ये वाला, क्यों बे, हाँ बहुत अच्छे दोस्त, इस OH में आ जाओ, क्या लगेगा इसका, अब इसमें प्लस एम लगेगा हम मान लेंगे भैया, ठीक है प्लस एम है, और प्लस एम के साथ और भी कुछ, थोड़ा सा माइनस आई, और हम हर बार थोड़ा क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट जो होता है मिनिमम स्टेबिलिटी को कम से कम 50% कॉज करता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी 2-3% कॉज करता है। तो अगर किसी का इंडक्टिव लिखना है तो वैसे ही बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स कम होगा। तो ये प्लस एम माइनस आई काफी छोटा लगा दिया, लेकिन CH2+ में प्लस एम इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई बोले इसके प्लस एम से CH2+ की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अबे इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे डेल्टा माइनस डेवलप होंगे, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। हाँ दोस्त, तो जब जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका पैरा पोजीशन वही पोजीशन है जिस पे CH2+ लगा है, तो इसका मतलब CH2+ को ये फील होगा कि इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर डेल्टा नेगेटिव डेवलप करवा दिया किसी ने। तो क्यों ये फील कर रहा है डेल्टा नेगेटिव, कि हमारे एकदम विसिनिटी में हमारे एडजेसेंट पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से ना, तो इसका मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी कॉज कर रहा है, समझ रहे हो भैया। तो ठीक है स्टेबिलिटी कॉज कर रहा है डेल्टा माइनस लास्ट वाले में क्या करोगे, प्लस एम भी होता है अच्छा खासा और प्लस आई भी होता है बहुत बढ़िया, प्लस आई बहुत बढ़िया ज्यादा ढेर सारा,
प्लस एम से भी ये भेजेगा और प्लस आई से तो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की सेंड करने की टेंडेंसी होगी। तो ये रीजंस लिखने चाहिए आपको। देखो आंसर अभी आप लोगों ने सबने बता दिया, 12th पास वाले तो मोस्टली हमें नहीं लगता कि कोई आंसर ऐसा होगा जो गलत गलत बताते हैं, मतलब जानते हो तुम लोग ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले जितने भी लोग हो। तो क्या है दोस्त कि ये आप लोगों को पता है, लेकिन रीजंस ऐसे समझ रहे हो तो अच्छी चीज है। लास्ट वाला बताओ पांचवा। लो अभी भी 3-1-2, 3-2-1 चल रहा है। चलो देखो दोस्त बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से हो गई भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ही अलग होती है भैया, तो कंडीशन ही नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, तो सोचने की बात ही नहीं है। कॉपी कर लियो, हटा दे। थ्री वन टू बढ़िया दोस्त। कुछ लोग 3-1-2 ऑनलाइन से भी बता रहे हैं, यहाँ भी बता रहे हो। देखो दोस्त ऐसा है, हमारी बात सुनिए। ये जो CH2 प्लस है पॉजिटिव चार्ज है, जो अनस्टेबल वाली चीज है उसी की स्टेबिलिटी की तो बात करेंगे और थोड़ी करेंगे। CH2 प्लस है उसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो CH2 प्लस बोलेगा हम पूरे बेंजीन में डिलोकलाइज कर जाएंगे, हम स्टेबल हो गए। तो बोलेगा साले सब में डिलोकलाइज हो रहा है, कोई नया चीज बताओ। तो बोलेगा अच्छा हमारे पास NH2 है। ये नाइट्रोजन बोलेगा भाई तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं अपने प्लस एम इफेक्ट की वजह से, तो इसका प्लस एम इफेक्ट लगेगा, नो डाउट। प्लस एम इफेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से कम होता है क्या, बढ़ता है क्या? प्लस एम इफेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उतना ही रहता है जितना दो कार्बन के डिस्टेंस पे है, क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है ना ऐसे ऐसे। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, लेकिन प्लस एम इफेक्ट पे डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये अपने ऑर्थो पैरा पे क्या बनाएगा, डेल्टा माइनस। यहाँ पे क्या बना दिया, डेल्टा माइनस। ये CH2 प्लस खुश हो जाएगा, भाई हमारा दोस्त है ये, इसने हमारे ऊपर डेल्टा माइनस डेवलप करवा दिया, तो इसकी वजह से प्लस। लेकिन NH2 बोलेगा हम थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, अब पूरा मतलब ठीक है हम थोड़ा सा डोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी साले सब कुछ अपना डोनेट कर देंगे। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा पुल भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन प्लस एम इफेक्ट इज मच मोर डोमिनेटिंग, मतलब चैरिटी भी होती है लेकिन इतनी भी ज्यादा चैरिटी नहीं। प्लस एम इफेक्ट इज मच मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई इफेक्ट, ठीक। दूसरे वाले में कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। बहुत प्यारा दोस्त, जो लोग बता रहे हो कुछ लोगों ने बोला ऑनलाइन ऑफलाइन सिर्फ माइनस आई लगेगा, और वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, सिर्फ माइनस आई लगेगा। और इसका अगर कोई बोले सर प्लस एम लग रहा है तो गलत बता रहा है, प्लस एम वाला होता ही नहीं। कोई बोलोगे क्यों हो, प्लस एम गलत है ये, इसे क्रॉस कर देना, क्रॉस को एक्स ना समझ जाओ तुम लोग, प्लस एम नहीं होता, ठीक है। प्लस एम नहीं होगा, सिर्फ माइनस आई होगा। कोई बोले ये क्या है, अभी तो बोल रहे थे लोन पेयर वाले सब शो करते हैं और ये प्लस एम बोल रहे हो नहीं शो करते हैं, कौन रीजन बताएगा बे? मेटा पोजीशन पे। बहुत बढ़िया, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता। बहुत प्यारा दोस्त, ये बोल रहे हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्या रेजोनेंस बंद हो गया? क्या रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस हमेशा होगा, लेकिन क्या है कि जो ये कार्बन, जिस कार्बन पे CH2 प्लस लगा है वहां पे नेगेटिव नहीं डेवलप करेगा, जिस कार्बन पे सुनो तो NH2 लगा है, जिस कार्बन पे NH2 लगा है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे डेल्टा माइनस डेवलप करेगा ना, ये ऑर्थो पे और पैरा पे डेल्टा माइनस डेवलप करेगा। अभी भी डेल्टा माइनस डेवलप कर रहा है लेकिन जिस पोजिशन पे हमें चाहिए उस पोजिशन पे नहीं डेवलप कर रहा है ना दोस्त, हमें CH2 प्लस वाली पोजिशन पे चाहिए था वहां डेवलप नहीं कर रहा है। तो ये जो अनस्टेबल स्पीशीज है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी ये प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप है, हम तो अनस्टेबल को स्टेबलाइज करने के प्रोसेस में देख रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अनस्टेबल जो स्पीशीज या एंटिटी है या सेगमेंट है उस सेगमेंट को स्टेबलाइज करने के प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं है, ये साला डिस्टेबलाइज ही कर रहा है। ये बोलेगा भाई हम तो उम्मीद में बैठे थे तुम हमारे पास डेल्टा माइनस डेवलप करोगे, ये बोलेगा हम डेल्टा माइनस डेवलप कर रहे हैं लेकिन अपने रिस्पेक्ट में, जिस कार्बन पे हम लगे हैं उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे माइनस डेवलप कर रहे हैं ना दोस्त। तो ये तो तुम बोलेगा तुम मेटा पे लगे हो साले, गलती तुम्हारी, हम तो डेवलप कर ही रहे हैं। तो ये बोलेगा अब हमारे पास क्या है, बोलेगा हम तुम्हारे ऊपर माइनस आई लगाएंगे क्योंकि हम प्लस एम तो दे नहीं सकते लेकिन हमारा माइनस आई तो लगता ही है हर पोजिशन पे, तो माइनस आई थोड़ा सा लगाएगा लेकिन इससे
ज्यादा माइनस आई होगा क्योंकि नजदीक आ गया ना, वो जितना नजदीक आता जाएगा उतना माइनस आई थोड़ा ज्यादा। समझ में आया? तो जिसको डाउट था कि प्लस एम लगेगा वो कट कर गया। ठीक है भैया, बताओ भे। ठीक है, लास्ट वाले में जो NH2 का इफेक्ट है, NH2 का ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम लगेगा यहाँ पे कि नहीं लगेगा? यस प्लस एम लगेगा, प्लस एम लगेगा। और माइनस आई? यस सर लगेगा, थोड़ा ज्यादा माइनस आई लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन माइनस आई लगेगा। ठीक है, रेजोनेंस से तो कम ही रहेगा लेकिन नजदीक है, जितना नजदीक लगाओगे उतना ज्यादा माइनस आई लगेगा। तो अब बताओ प्लस एम अगर जिसमें लग, अच्छा जिसमें जिसमें प्लस एम लग रहा है वो तो ज्यादा स्टेबल हो गए, तो वन और थ्री वाले ज्यादा स्टेबल होंगे टू से। वन और थ्री में एटलीस्ट प्लस एम से स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है, तो वन और थ्री वाले ज्यादा स्टेबल होंगे किससे? टू से। तो वन मतलब थ्री और टू ज्यादा, टू सबसे कम स्टेबल। अब वन और थ्री में ज्यादा स्टेबल कौन है? वन वाला, पक साले थ्री, हाँ सॉरी वन वाला, हम उल्टा बोल रहे, वन वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि क्योंकि माइनस आई थोड़ा कम लग रहा है ना, तो वन मोर स्टेबल देन थ्री देन टू, लिख लो वन ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन टू। कुछ कुछ समझ में आ रहा था उसे? समझ में आ रहा है। yes, थर्ड का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा क्यों होगा? थर्ड वाला NH2 एकदम बगल में है ना, जितना नजदीक होगा उतना ही तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा दोस्त। okay, CH2 प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब उसके बगल में ही माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप लग गया तो खींच लेगा उससे। और किसी को कोई डाउट नहीं ना भैया? चलो दोस्त नेक्स्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया दोस्त, तो प्लस एम माइनस एम ये सारे के सारे आप समझ रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ आपने ग्रुप्स देखने शुरू कर दिए। हम एक एग्जांपल और जनरल लिख देते हैं, सिक्स्थ वाला एग्जांपल, इसमें तुम लोग बता दो, फिर अभी हम चल के बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही बताएंगे। सब पे CH2+ लगा है, सब पे CH2+ लगा है, और अभी सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, पहले CH2+ 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 ऐसे लिखते चले जाओ, ये सारे CH2+ CH2+ और वो ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन में तीन बॉन्ड है, आप लिखते चले जाओ इन सभी, ऐसे CH2+ ऐसे। हमारा मन कर रहा है हम एक बार लगा देते हैं, सपोज करिए NO2, वही NO2 एंड डबल बॉन्ड O, थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं जिससे कि फैमिलियर हो जाओ तुम स्ट्रक्चर से, नहीं तो NO2 NO2 से लोग बहुत बार ऐसे लिखो तो घबरा से जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, NO2 हो गया ये। NO2 के बाद हम लगा देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N, लीनियर होता है ये, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा देते हैं सपोज करिए, और हम लगा देते हैं वही सपोज करो N के बाद ऐसे CH3, और ये CH3 N के साथ CH3 CH3, नाइट्रोजन के साथ CH3 और CH3 सी एच थ्री के साथ, फिर लगा देते हैं ऐसे एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लगा देते हैं हम ओ माइनस सल्फर माइनस, ये पांच लिखे हैं, छठवां भी लिखी लो। CH2 प्लस और यहाँ लगा दो H, CH3, ये छह लिखे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन छह में बताओ, ऑर्डर बताओ सोच समझ के। इनके इफेक्ट्स भी लिखने बहुत जरूरी है, एक काम करो जो सबसे लास्ट में लिखा है ना, ठीक है रहने दो उसको।
जल्दी करो बे। CH2 प्लस है, फिर से देखो। चलो तुम लोग करते रहो। करते रहो भैया अपने अकॉर्डिंग। बताओ दोस्त, सिक्स वाला सर? 4 5 6 2 1। ओ, ऑनलाइन से बोल रहे हैं 4 5 6 2 1। तुम लोग क्या बता रहे हो? सबसे ज्यादा स्टेबल ऑफलाइन वाले बताओ, ऑन कोई भी बताओ। चलो 4, चलो कोई बात नहीं, चलो देख लो। फिर से सुनो ना, ऐसे कैसे शुरुआत की जाती है, तुम लोग जानते सब हो बे। CH2 प्लस है जो अनस्टेबल, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में जो सबसे अनस्टेबल सेगमेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी हम लोग चेक करने जा रहे हैं ना। कुल मिला के CH2 प्लस है, सब वो अनस्टेबल है, सारे CH2 प्लस। तो CH2 प्लस बोलेगा भाई हम कैसे स्टेबलाइज होंगे, सब बेंजीन बोलेंगे कि आओ हम तुम्हें रेजोनेट करवा दें, डीलोकलाइज करवा दें। बोलेगा ठीक है, सारे बेंजीन में इक्वल डीलोकलाइजेशन हो गया, कुछ नया मिला नहीं, तो इक्वल डीलोकलाइजेशन है तो बेंजीन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ये NO2 बोलेगा ऐसा है दोस्त, हम तो लगाएंगे माइनस एम इफेक्ट, पावरफुल माइनस एम इफेक्ट, और अदर अपावरफुल सुपर पावरफुल माइनस आई, बहुत माइनस आई, माइनस एम भी इसका ठीक ठाक होगा और माइनस आई भी। कोई बोले अच्छा तो क्या करोगे, तो बोलेगा ऐसा है हमारी तो टेंडेंसी है कि हम अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या बनाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो जिस कार्बन पे खुद NO2 लगा है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप करेगा। सॉल्यूशन में ऐसे लिखा करो अलग से कहीं, नहीं तो कैसे चलेगा बेटा। ये डेल्टा प्लस डेवलप कराएगा जिस कार्बन पे खुद लगा है अपने ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो डेल्टा प्लस जब डेवलप करेगा अपने ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे तो क्या करेगा, CH2 प्लस बोलेगा मारे डाल दो साले तुम, तो हम ऐसे ही कमी हमारे पास, तुम और हमारे पास प्लस बना रहे हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये प्लस चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा, मतलब फील करेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन बोलेगा हम भी साले कम थोड़ी है किसी से, सी ट्रिपल बॉन्ड एन पोलर हेट्रोलेटिक बॉन्ड है, नाइट्रोजन की तरफ टूटने की टेंडेंसी है, ये भी माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, नहीं लगाएगा? यस सर।
हाँ तो माइनस एम लगाएगा और ये माइनस आई भी लगाएगा, लेकिन माइनस आई एनओ टू से कम होगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था, उसकी वजह से माइनस आई, दोनों ऑक्सीजन भी बोलेंगे, हम भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सब साले कार्बन से खींचेंगे ना, तो माइनस आई इसका भी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज अनकंफर्टेबल होगा सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में, ज्यादा अनकंफर्टेबल किस में होगा? फर्स्ट वाले में। हाँ वन में होगा, बहुत बढ़िया दोस्त। तो ठीक है, वन टू में वन अनस्टेबल है, टू ज्यादा स्टेबल है। ठीक, थर्ड वाले में आओगे तो राहत मिली उसको, बोलेगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर मिथाइल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मिथाइल इवन भेजेंगे ही उसकी तरफ, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो अपने ऑर्थो पैरा जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे क्या डेवलप करेगा? डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस अपने ऑर्थो पैरा पे डेवलप करेगा जिस कार्बन पे खुद लगा हुआ है। तो ये एन, यहाँ पे एन एम ई टू, ये एन और दो मिथाइल वाला प्लस एम इफेक्ट तो लग रहा है, प्लस एम लगेगा और थोड़ा सा माइनस आई लगेगा। नाइट्रोजन बोलेगा भैया हम बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम हमारी भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम प्लस एम से भेजेंगे लेकिन अब थोड़ा बहुत तो माइनस आई से खींच लेंगे। तो फिर भी वन टू थ्री में थ्री वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू टू एज कम्पेयर टू वन। ठीक है, एनओ में आ जाओ, एनओ में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। कोई बोले सर ये तो माइनस एम भी लगाएगा, मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है अभी बताते हैं, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बताएंगे इसके कई इफेक्ट होते हैं एनओ में, लेकिन लोन पेयर तो है इसके पास, लोन पेयर से भेजेगा तो अपने ऑर्थो पैरा पे क्या डेवलप करेगा? पार्शियल नेगेटिव डेवलप करेगा, उस नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में रिलेटिवली स्टेबल तो हो ही जाएगा, H2 प्लस प्लस सम इफेक्टिव ग्रुप है लोन पेयर की वजह से, तो प्लस एम लगाएगा। लेकिन एक चीज बता दें, प्लस एम से डेल्टा माइनस, माइनस आई इसका कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, थोड़ा सा बताना रह गया था, माइनस आई भी होता है ना, रुको अभी अभी कंपेयर करेंगे। लेकिन थ्री और फोर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? थ्री, थ्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, थ्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा भैया, लास्ट वाला, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पांचवा। तो इसमें हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं, फाइव मोस्ट स्टेबल, फाइव के बाद देखो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को सिक्स में और फोर में, यही तो प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं समझ रहे हो? सिक्स में आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, बाकी अभी कुछ नहीं जानते, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है सिक्स में, तो सिक्स में सिर्फ इंडक्टिव की वजह से इससे स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे इसके रेजोनेंस की वजह से। तो फाइव के बाद सीधे हम क्या लिखेंगे? फोर लिख देंगे, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन। सिक्स कहाँ गया साला? छह भी है, एक मिनट, फाइव के बाद क्या आएगा? फोर, ठीक तो लिखा है, फिर सिक्स, हाँ सिक्स के बाद थ्री, फिर टू, फिर वन। ठीक है दोस्त, आप बता दो किसी को कोई डाउट हो तो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ाते हैं तो आपको बताएंगे उस टाइम, क्या अभी भी हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए कि ऑल्दो ये जितने भी प्लस एम और माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप ये वाले होते हैं, स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं, लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑर्थो पैरा की तरफ ओरियंट करते हैं, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, इतना तुम लोग जानते हो ट्वेल्थ पास में, इसीलिए क्वेश्चन दिया है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो। कोई बोले सर क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है, एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल अगर लेके आओगे तुम, क्लोरो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे तो बताओ कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा मेटा, मतलब ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसने बनाया होगा, इसलिए हमने बोला है नेगेटिव चार्ज इसने बनाया तो होगा ऑर्थो पैरा पे, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज तो फील करेगा उस नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब बेंजीन में से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इसने खींच ली होगी, लेकिन इस पे माइनस बना के इस पॉजिटिव को तो स्टेबलाइज करा दिया कि हमें तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है भैया, नहीं समझ रहे हो दोस्त? इवन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी क्या होता है कि ये पैरा पे तो अटैक करवाता है ऑर्थो पैरा पे, जितने भी हैलो बेंजीन होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, दैट मींस जो हैलोजन्स होते हैं वो बेंजीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो एनओ भी तो उसी कैटेगरी में आता है। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, हमें तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, पॉजिटिव चार्ज के हेड पे जो नेगेटिव चार्ज बनाएगा उसको ज्यादा स्टेबल कहेंगे। और कोई डाउट किसी को? सिक्स और थ्री में कुछ लोग बोल रहे हैं, सिक्स और थ्री, थ्री बोल, अरे कुछ गड़बड़ सा हो गया, अबे तुम लोग भाई गड़बड़ कर दिए, कहाँ गया? फाइव वाले के बाद हमें आना चाहिए था थ्री,
अरे यार रुक जाओ भैया, तुम लोग ऑनलाइन वाले भी नहीं बोलते हो। देखो हम नंबर नहीं देख पाए ना, फाइव जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर है तुम्हारा थ्री, फिर है फोर, फिर है सिक्स, फिर है टू और फिर वन, ठीक है दोस्त। अरे इसमें प्लस एम तो लग रहा है, और इसका प्लस एम बहुत अच्छा खासा होता है। यहां भी कोई प्लस एम बोलेगा, लेकिन इसका माइनस आई कुछ ज्यादा ही होता है। मतलब हैलोजन्स के केस वाले थोड़े अलग होते हैं एनओ वाले। लास्ट में तीन हमने एक जगह लिखे थे, चलो बताते हैं जल्दी करो, पहले इतना कॉपी करो फिर लिखवाते हैं कुछ और। अभी इसी के इस क्वेश्चन के आखिरी में हम कुछ आपको बताने वाले हैं, बताना पड़ जाएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बताते हैं, प्लस एम माइनस एम से लेके, क्योंकि हमको लगा था ट्वेल्थ पास करने थोड़ा सा तुम लोग एक बार में ही समझ जाओगे, लेकिन हमको बताना ही पड़ जाएगा। देखिए जो आपने प्लस एम माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स देखे हैं, देखे हो ना अभी प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप्स, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप्स जितने भी होते हैं, ये सी एच टू माइनस है, अभी रुक जाओ इसको बता रहे हैं आके, सुनिए भाई फिर से देखो। तुमने क्या बोला था कि बेंजीन के ऊपर अगर एन पे माइनस टू है तो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, बताओ। एनएच पे माइनस है तो वो भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ओ पे माइनस है ये भी प्लस एम प्लस आई लगाएगा, एन आर टू लिखा है, एनएच आर लिखा हुआ है, एनएच टू लिखा है, ओ आर लिखा है, ओ एच लिखा है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ये सब लगा रहे हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट वाले, क्योंकि की आइटम पे क्या है, लोन पेयर है सबके की आइटम पे। अभी और भी है, अरे मतलब ऐसे ही पीएच 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 ऐसे ही पीएच बोले तो बेंजीन है ये C6H5 ऐसे पीएच। अभी और भी है, कोई बोले सर पीएच यहां पे हम लगा देते हैं सपोज करो, अभी रुक जाना, ओ सी ओ आर, फिर कोई बोले हम लगा देते हैं पीएच एनएच सी ओ आर, कोई डाउट नहीं अभी तक, सबको समझ में आ रहा है? अरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे ना ये सब बेंजीन की तरफ, की एटम पे लोन पेयर है पीएच एसएच, तो इन सब के की एटम पे लोन पेयर दिख रहा है आपको, बताओ। तो कोई बोले अच्छा इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका एन माइनस टू वाले का क्या प्लस एम होगा, प्लस एम होएगा कि नहीं होएगा, और प्लस आई भी होगा इसका, यस सर प्लस एम प्लस आई, बहुत ज्यादा yes, बहुत ज्यादा प्लस आई, और दूसरे वाले में भी प्लस एम प्लस आई होगा, होगा कि नहीं होगा, सब लोग देखते रहो। थर्ड वाले में प्लस एम प्लस आई होगा, होगा कि नहीं, फोर्थ वाले में प्लस एम माइनस आई होगा, माइनस आई क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप नेगेटिव चार्ज थोड़ी है, किसी भी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा प्लस एम माइनस आई। अरे ऑनलाइन वालों कुछ समझ में आ रहा है वे? यस सर, जो डाउट इन लोगों ने पूछा था वही बता रहे हैं, प्लस एम माइनस आई इसका भी लगेगा, लेकिन अभी तक क्या माइनस आई डोमिनेट कर गया है क्या? माइनस आई बहुत कम है, इन सबके प्लस आई बहुत ज्यादा है, प्लस एम माइनस आई, ये लास्ट वाले में प्लस एम माइनस आई, सब में प्लस एम माइनस आई, यहाँ पे क्या आएगा प्लस एम माइनस आई, यहाँ भी क्या प्लस एम माइनस आई, और लास्ट वाले में क्या आएगा प्लस एम माइनस आई, अभी तक ठीक है? और इन सारे केसेस में प्लस एम डोमिनेट करेगा? तीन केसेस ऐसे होते हैं जहां ऐसा नहीं होता। कौन से केस होते हैं? पहली बात तो पीएच के साथ हैलोजन लगा दो, दूसरी चीज पीएच के साथ एन डबल बॉन्ड ओ लगा दो, और तीसरी चीज पीएच के साथ एस डबल बॉन्ड ओ आर लगा दो। इन सारे केसेस में प्लस एम लगता है क्योंकि की एटम पे लोन पेयर है, और इन सारे केसेस में माइनस आई भी लगता है। प्लस एम लगने का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन पे लगे होंगे उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे?
लेकिन इन सबके माइनस आई जो होते हैं वो इनके प्लस एम को ओवरकम कर जाते हैं, मतलब माइनस आई से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं, माइनस आई इन सबके ज्यादा होते हैं, ये स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं। कभी कोई पूछे हैलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है, बोलोगे लगता तो प्लस एम भी है लेकिन साले का माइनस आई डोमिनेट कर जाता है। ये तीन चीजें हैं ऐसी जिनके माइनस आई डोमिनेट करते हैं, जिनको तुम अभी 12th पास बैच में स्पेशली बोल रहे थे कि ये स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं। स्लाइटली डीएक्टिवेटर का मतलब ये होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑर्थो पैरा पे डेल्टा माइनस नहीं बनाएंगे। अबे जितने भी प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप है या प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप है, वो जिस कार्बन पे लगे होंगे उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजिशन पे या ऑल्टरनेट कार्बन पे डेल्टा माइनस डेवलप करेंगे। तो अगर अपने ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे डेल्टा माइनस डेवलप कर रहे हैं और उसी से कोई एसोसिएटेड डेल्टा प्लस है, रादर पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज कर देंगे। समझ में आ रहा भैया? ओवरऑल इनका माइनस आई कुछ ज्यादा ही होता है। तो कभी कोई बोले कि माइनस आई सबसे ज्यादा वाले कौन से होते हैं, प्लस एम के साथ माइनस आई जिनका ज्यादा लग रहा हो, तो उनके ये वाले होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट नहीं है, ये है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कंपेयर करने वाला ऑर्डर। समझ में आ रहा है दोस्त? तो जो आपका डाउट था वो क्वेश्चन नंबर 3-4 करके इसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऑनलाइन वालों कोई डाउट इसमें? हेलो, नो सर। साले पगले हैं क्या ये सब? नहीं सर, अच्छा चलो क्लियर हो गया भैया ये। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो प्लस एम सबके, मतलब इतना जो लिखा हुआ है ये वाले, इनके प्लस एम बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं एज कंपेयर टू माइनस आई, बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं शुरू वालों के। लास्ट में जो तीन लिखे हैं वही लोचा होता है। वो एक्चुअली अभी हम ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर पढ़ाएंगे ना थोड़ी देर में, डायरेक्टर्स, तो वो बताने वाली चीज तो डायरेक्टर्स में ही थी। हम इसको 11th में इस टाइम कभी नहीं बताते, जब अभी ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर पढ़ाते हैं तब बताते हैं। लेकिन तुम लोग बात कर रहे हो तो इसलिए जान लो कि भैया वो उनके माइनस आई ज्यादा, कभी वही वह हेलोजन एनओ और एसओआर, ये तीनों अलग से स्पेशली लिखे जाते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं कि बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा है, एनओ लगा है, एसओआर लगा है, नो डाउट ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसका माइनस आई कुछ ज्यादा ही होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। बाकी सब में क्या है, प्लस एम डोमिनेट करता है। जिनके भी की एटम पे लोन पेयर रहेगा वो प्लस एम इफेक्ट जरूर शो करेंगे, जरूर शो करेंगे जिनके भी की एटम पे लोन पेयर है, कितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो वो प्लस एम शो करेंगे। और उन सबके माइनस आई जनरली उनके प्लस एम से कम ही होते हैं, लेकिन वो स्पेशल केसेस तीन होते हैं, हैलोजन, एनओ और एसओआर, जिनके माइनस आई ज्यादा होते हैं। और ये स्लाइटली, इनका पूरा इफेक्ट जो होता है वो ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग होता है, स्लाइटली डीएक्टिवेटर कहे जाते हैं। अभी ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो तो क्वेश्चन से रिलेटेड आ गया था। देखो दोस्त, जिन लोगों को नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं कभी नहीं पढ़े होते हैं जीओसी ओसी, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी हमने ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर की बात नहीं बताई, तो हमने प्रिसाइजली ये सब एक्सप्लेन नहीं किया। थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन आप समझ लो कि भाई प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, तो प्लस एम और माइनस आई क्या होते हैं, जल्दी करो। जिनके भी की एटम पे लोन पेयर है वो अपना प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट शो ही करेंगे, कुछ भी हो जाए वो शो जरूर करेंगे।
देखो दोस्त, कुछ समझ में आ रहा है भैया? अभी जस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पढ़ा देंगे आपको। चलो ये बताओ, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनायन। ये कार्बनायन है, कार्बनायन कार्बनायन। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बनायन। कोशिश करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। फिर से बताओ। सर 1 2 3 4 5। फिर से सोचो थोड़ा सा। हाँ ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हो? 1 2 3 4 5। बहुत प्यारा दोस्त, और बताओ। यस सर 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया दोस्त। और कोई ऑफलाइन वाला बताओ भैया। इन्होंने बताया था, कुछ लोग बता तो रहे हो लेकिन क्या थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो इधर ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले सही बता रहे हैं दोस्त। बताओ बे। सुनो ये कार्बनायन है, कार्बोकटायन नहीं है। जो लोग कुछ कभी कभी सारे माइनस चार्जेस हैं, सारे कार्बनायन हैं भैया, कार्बोकटायन ना समझ लेना, कार्बन पे माइनस है। तो हमें कार्बन पे माइनस को स्टेबलाइज करना है। वो माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बेंजीन में तो इक्वल डिस्पर्जन है सब में, तो बेंजीन की वजह से आप एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जज नहीं कर सकते। बेंजीन की वजह से, बेंजीन रिंग की वजह से, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सब में सेम है। तो इसका मतलब है कि द सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट वही दे आर गोइंग टू कॉज, दे आर गोइंग टू मेक अ मेजर डिफरेंस। बताए भैया? अच्छा कॉपी कर लो, बहुत टाइम लगा रहा है तुम्हें। हे देखो, चलो हो गया। सुनो तो इसका कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस एम पावरफुल माइनस आई भी इसका लगता है अच्छा खासा। तो माइनस एम का क्या मतलब है? जिस कार्बन को लगा उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे क्या डेवलप करेगा? डेल्टा प्लस। तो इन पोजीशंस पे जहां पे हम डॉट लगा रहे हैं वो डेल्टा प्लस डेवलप करेगा। और डेल्टा प्लस डेवलप करने से जिस कार्बन का माइनस है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे डेल्टा प्लस डेवलप करके उसको स्टेबलाइज कर दिया, इसने खुश हो जाए। सीएचओ क्या बोलेगा? भाई हम भी तो माइनस एन इफेक्ट वाले हैं, माइनस एन इसका भी है लेकिन माइनस आई थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन है और वहां पे तो कई कई ऑक्सीजन थे, सल्फर भी था। तो ये भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डेल्टा प्लस डेवलप करवाएगा, तो डेल्टा प्लस डेवलप करवा के स्टेबल तो करवा देगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डेल्टा प्लस डेवलप करवा के, लेकिन माइनस आई से उसको उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को खींच नहीं पाएगा। तो वन और टू में ज्यादा स्टेबल वन होगा, समझ रहे हो भैया? वन और टू में ज्यादा स्टेबल वन होगा क्योंकि टू वाले में माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम है। माइनस आई से नेगेटिव चार्ज को खींचना भी, देखो रेजोनेंस अलग चीज है, उसके बाद माइनस आई से ये खींच भी ले रहा है उसको, तो बोलेगा ठीक है भैया हम रेजोनेंस से भी तुम्हें स्टेबलाइज करा रहे हैं, माइनस आई से तुम्हें डिस्पर्स करवा भी रहे हैं खूब दूर तक। CH3 क्या बोलेगा? देखो हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई से हम तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भेज ही सकते हैं। तो बोलेगा हमें अनस्टेबल कर रहे हो तुम साले, हमें चाहिए हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहिए, तुम हमको दे रहे हो। और O जो है वो क्या करेगा? ये तो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा और प्लस एम से तो और ज्यादा अनस्टेबल करेगा, यही हेड पे जाके क्या बना देगा? माइनस। और ये कह रहा था भाई हमारे ऊपर प्लस है, हमें हमारे एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस लाओ, मुझे प्लस दो ऐसे चिल्लाएगा ना ये। और जो है ये माइनस बना दे रहा है, अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? बताओ दोस्त। तो ये हो जाएगा और माइनस आई नहीं लगेगा इसका, थोड़ा सा ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई से थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन प्लस एम से पहले साला दर्द दे रहा है उसको, मतलब वो बेचारा टेंशन में आ गया, फिर तो माइनस आई थोड़ा खींच रहे हो, अच्छी बात थोड़ी हो। और ओ माइनस क्या करेगा? तो एकदम पूरा उसको
बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट कर दिया उसको, प्लस एन से भी भेजेगा इलेक्ट्रॉन, प्लस आई से भी भेजेगा, तो कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हो गया इसको। ठीक है भैया, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अब अगर आप देखोगे, बहुत बढ़िया बता रहे हो, वन सबसे ज्यादा, फिर टू, फिर थ्री, क्योंकि प्लस एम वालों से प्लस, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ये रीजन लिख लो प्लस एम प्लस आई वाले जो भी है। एक्चुअली प्लस एम वाला कुछ ज्यादा ही पावरफुल इफेक्ट होता है ना, तो थ्री और फोर में जो लोग परेशान हो वो ये देखो कि प्लस एम वाला बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर चुका होगा उसको। ठीक है भैया, कुछ क्लियर हो रहा है? अभी बेसिक स्ट्रेंथ वाला रह गया दोस्त, बता रहे हैं अभी, पहले ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर बता दे, जब छेड़ दिया तो बता ही देते हैं तुम्हें, फिर आगे भी बता देंगे। लिखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स, जब एक बार छेड़ दिया है तो बताना जरूरी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स, देखिए दोस्त क्या मतलब है इसका, मतलब ये होता है, सुनो तो, कि जब हम लोग बेंजीन लेते हैं, बेंजीन, बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं, तो अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जी लगा देते हैं हम लोग, जी जिसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई ग्रुप जी लगा दो जिसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये ग्रुप जी वाला जो एलिमेंट होता है वो अपने ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डेल्टा माइनस डेवलप करता है। तो जब ये ग्रुप जी है तो ग्रुप जी की वजह से इसपे एक्चुअल स्ट्रक्चर में जी पे क्या जाएगा, डेल्टा डैश प्लस, और ऑर्थो पोजिशन पे क्या जाएगा, डेल्टा माइनस, और पैरा पे भी क्या जाएगा, डेल्टा माइनस, और हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है और उसके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, दैट मींस इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, थेरबाय इनवाइट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ रहे हो, बेंजीन पे कभी भी इलेक्ट्रोफाइल, रादर इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने इस पे, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जैसे इस मॉलिक्यूल के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ले जाओगे तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को कहां कहां दिखेगा, जगह, तो कोई बोले सर इसके पास छह पांच, हाँ फाइव प्लेसेस होंगी, ये वाली प्लेस, 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 लेकिन उसमें भी जो प्लेसेस चूज करेगा वो ऑर्थो पैरा चूज करेगा, क्योंकि इस ग्रुप जी की प्रेजेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। इसीलिए अगर ग्रुप कोई लगाते हैं जिसके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाता है, क्योंकि इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आ रहा भैया, इफ एन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, रादर इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस टू दिस मॉलिक्यूल, तो दिस प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसकी प्रेजेंस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ग्रुप है ना, ग्रुप का फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बोल रहा है अबे सुनो बे साले ऑर्थो पैरा पे आना, वहीं पे माइनस बना रहे हैं, समझ रहे हो, तो डायरेक्ट कर रहा है ना उसको, इसलिए कोई भी फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा देते हो तो उसे बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और आएगा कौन अटैक करने, इलेक्ट्रोफाइल ही तो आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव बना के इसको बुला रहा है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब ये है कि मतलब इफ अ ग्रुप, सुन लो पहले, इफ अ ग्रुप कंटेनिंग फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, तो इट इनवाइट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट मींस बिकॉज ऑफ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, लिखो जरा उसमें, इफ अ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप, इफ अ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप और प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप, if a free pair of electron containing group or plus r effective group, if a free pair of electron containing group, if a free pair of electron containing group or plus r effective group, है ना, उसी को plus m भी bracket में लिख लो, plus m,
if a free pair of electron containing group or a plus R effective group is directly attached to benzene ring, is directly attached to benzene ring, है ना, कॉमा करके लिखिए, फिर कॉमा करके, इट इनवाइट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनवाइट करेगा या डायरेक्ट करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्ट, है ना, इट इनवाइट्स और डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इट इनवाइट्स और डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट इनवाइट्स और डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट इनवाइट्स ए डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. उसका रीजन क्या है कि ऑल प्लस एम लिखो, रीजन उसके नीचे नीचे लिखो अगली लाइन में, रीजन रीजन क्या है उसका, रीजन ये है, रीजन लिखो, रीजन लिखिए, लिखिए उसमें, बिकॉज ऑल प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, बिकॉज ऑल प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप क्रिएट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑल प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप क्रिएट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज या जनरेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑल प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप या प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप जनरेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑल प्लस एम या प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप जनरेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जनरेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. समझ मा रहे हो भैया, जनरेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, समझ रहे हो भैया, यही रीजन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का. कोई बोले अच्छा सर एक बात बताओ, कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हम बता दे रहे हैं, जैसे बेंजीन है, सुनो बेंजीन के ऊपर कोई बोले अच्छा हमको बताइए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो कौन कौन डेल्टा माइनस बनाएंगे, तो डेल्टा माइनस ये बनाएंगे, हम बता रहे हैं सीक्वेंस में लिख देते हैं राधर एक है, मतलब आपको पता लगे, n पे माइनस टू के बाद आप NH पे माइनस भी कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नहीं समझ रहा हूँ, NH पे माइनस भी कर सकते हो आप, कर सकते हो भैया NH2, समझ रहे हो, कोई ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, NR2 भी कर सकते हो, फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस, ऑर्डर नहीं है कोई कि भैया इसे इंक्रीज, प्लस एम इफेक्ट तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होगा ना, ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, बाकी जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होते हैं वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ओ आर हो गया और क्या आता है ओ एच हो गया, ठीक है भैया, ओ माइनस भी हो गया, ओ माइनस, एस माइनस हो गया, सल्फर पे माइनस, एस एच हो गया, ये जो लिखे हुए हैं ये पावरफुल प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप है. अभी रुक जा, इसके बाद और भी होते हैं, अभी कोई बोले हमारे पास ये लिखा हुआ है NH COR, बिल्कुल, फिर कोई बोले हमारे पास लिखा है OCOR, ये भी बिल्कुल प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, समझ रहे हो दोस्त, अभी रुकिए, तुम बोलोगे सर हमने तो किसी एक बुक में हमने देखा आर्यंत की कोई ऐसी बुक थी, बाटला वाटला वाले साले पता नहीं क्या लिखते हैं, वो बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट का भी ऑर्डर होता है, प्लस आर रेजोनेंस का भी ऑर्डर होता है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत लिखा है वो, बिल्कुल गलत लिखा है, हम वेरीफाई करके बता रहे हैं अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक से. वो क्या करते हैं प्लस आर और प्लस आई मिला के इसको बोल देते हैं इसका प्लस, इसका रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है, तो रेजोनेंस सारे में एक ही होता है, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इक्वल होता है, तो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे वो फिर आगे भी बढ़ा सकता है, उसको कम भी कर सकता है, जैसे कहीं कहीं लिखा होगा कि भैया NR2 का इफेक्ट जो होता है रेजोनेंस इफेक्ट वो N-2 से कम होता है, ओवरऑल इफेक्ट बिल्कुल कम होता है, लेकिन कोई बोले फिर फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका जितना ट्रांसफर होगा उतना इसका ट्रांसफर होगा, बिल्कुल उतना ही ट्रांसफर होगा, लेकिन नाइट्रोजन ये वाला थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो जितना रेजोनेंस किया होगा ना थोड़ा सा फुल कर लेगा, तो उन सबको कंसिडर करके बोलते हैं इसका रेजोनेंस भी ज्यादा था प्लस आई भी ज्यादा था, इसलिए ओवरऑल ये ज्यादा पावरफुल डोनेटर है, कहीं रेजोनेंस इंडक्टिव का सिर्फ ऑर्डर होता है, रेजोनेंस का कोई ऑर्डर नहीं होता, नहीं तो कोई भी ग्रुप फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर कोई ट्रांसफर कर सकता है. कोई बोले ओवरऑल इफेक्ट कैसे जज करोगे, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जज कर लेंगे, लेकिन सिर्फ रेजोनेंस पूछेगा तो रेजोनेंस का सबका ऑर्डर एक होता है, ठीक है ना, इंडक्टिव की वजह से फिर किसी का कम ज्यादा हो सकता है, और क्लियर है दोस्त, तो ये हो गया.
तो ये सब के सब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे। इसी में तीन आते हैं साले, ये हैलोजन अभी जो बार बार बताया था हमने, फिर आया है एन डबल बॉन्ड ओ, और लास्ट में एक लिखा है एस डबल बॉन्ड ओ आर। ये तीनों भी प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप होते हैं क्योंकि ऑर्थो पैरा पे दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को करेंगे। लेकिन ये इन केसेस में इन्हें बोला जाता है इनको हाईली एक्टिवेटर्स। रुक जाओ, हाईली एक्टिवेटर्स क्या मतलब होता है इसका अभी बता रहे हैं। और जो ये ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं इनको स्लाइट एक्टिवेटर्स बोलते हैं, स्लाइट एक्टिवेटर्स। है ना, और इनको बोलते हैं स्लाइट डी एक्टिवेटर्स। बोलोगे ये क्या चल क्या रहा है साला, बता रहे हैं रुको दोस्त। स्लाइट डी एक्टिवेटर्स मतलब ये होता है, ये एक्टिवेटर डी एक्टिवेटर का कॉन्सेप्ट आया है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे। बेंजीन सिर्फ लिखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, 6 pi इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे होते हैं इसमें, नहीं समझ रहे हो? अरे 3 pi बॉन्ड होते हैं, 3 pi बॉन्ड का मतलब 6 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो डिलोकलाइज करते हैं, क्लाउड नहीं बन जाता रहते करते, पूरा क्लाउड होता है 6 pi इलेक्ट्रॉन का। उसके रिस्पेक्ट में, हाँ उसके रिस्पेक्ट में कोई पूछे कि अगर हम भैया इस पे लगा देते हैं सपोज करो NH2, तो बताओ इस क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन का लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड और भाग अंदर की तरफ भागा आ रहा है, तो जो क्लाउड था पहले, क्लाउड मतलब जैसे वो और ज्यादा थिक होता जाएगा, क्लाउड और ज्यादा डेंस होता जाएगा। कोई बोले सर थोड़ा सा माइनस आई लग रहा है, लेकिन ओवरऑल तो साले प्लस एम है, बेंजीन में और इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और थिक हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में ये सब बोला गया है। कोई बोले यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं सपोज करिए, यहाँ पे लिख दो सपोज करो तुम NO या हेलोजन लगा दो, हेलोजन। तो हेलोजन लगाने से क्या होता है? कोई बोले सर हेलोजन का भी तो प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, आप बताओ। तो हेलोजन का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है वो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज डेवलप करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा आ जाओ तुम ऑर्थो पैरा पे। लेकिन अगर बेंजीन के रेस्पेक्ट में इसकी चार्ज डेंसिटी देखोगे ना, थोड़ा थिन हो जाएगा। आप समझे क्या है मतलब उसका? मतलब ये होता है स्लाइट डी एक्टिवेटर का कि भैया ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो क्लाउड जैसे होता है, बादल जो होते हैं क्लाउड, बेंजीन का कुछ क्लाउड है, मतलब हल्का सा डेंस है, पोरस टाइप से आर पार दिखने वाला जो भी है, अगर NH2 लगा दोगे तो एकदम थिक हो जाएगा, आर पार दिखेगा नहीं, क्रॉस उसके आप देख नहीं सकते। और जब ये लगा दोगे हेलोजन या NO या SOR, तो क्या होगा, वो क्लाउड और थिन हो जाएगा, उसके ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा, इस पार से उस पार देख सकते हो। तो ये जो एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर और ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं क्लाउड की थिकनेस को या क्लाउड की डेंसिटी को लेके। लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करने आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ रहा है दोस्त, तो ये कहां ले जाएगा उसको? ऑर्थो पैरा पे ले जाएगा। ये इसमें तो सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, छह की छह पोजीशन आइडेंटिकल है, उससे क्या मतलब है? लेकिन ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करने के लिए क्या लिखा जाएगा कि हैलोजन ऑल्दो स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं, मानोगे इसको? हैलोजन स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां भेजेंगे उसको? मतलब स्लाइटली डीएक्टिवेटर होते हैं साले, रिएक्ट नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बोलेंगे देखो हमने भाई रेजोनेंस की वजह से तुम्हारे लिए ऑर्थो पैरा पे डेल्टा माइनस डेवलप कर दिया है, भले ही हम पूरी बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरऑल अपनी तरफ थोड़ा सा पुल कर ले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ स्लाइट डीएक्टिवेटर का ये है कि बेंजीन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम हो गई है, लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे ही बुलाएगा ये। तो कहीं लिखा हो हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हैलोजन डीएक्टिवेटर होते हैं। अबे डीएक्टिवेटर भी होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होते हैं, समझ रहे हो दोस्त? आप कॉपी करो इसको, ये स्लाइड डीएक्टिवेटर का मीनिंग समझ में आया? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इनवाइट करेगा कि आके तुम यही लग जाओ, इलेक्ट्रोफाइल हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो। लेकिन बेंजीन के कंपैरिजन में ऑल्दो वो लेस पोरस है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसके पास, ठीक है? लिखो जरा, इनवाइट करेगा बिल्कुल, NH2 बहुत ज्यादा इनवाइट करेगा, समझ रहे हो? हाँ लिखो जरा, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की उनके पास कमी है, इलेक्ट्रोफाइल्स
तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये बेचारा क्या, जितने ग्रुप्स लगे हैं प्लस आर इफेक्टिव ग्रुप प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप, ये सारे के सारे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बोलेंगे आओ हमारे पास ऑर्थो पैरा पे अटैक कर जाओ, क्योंकि हमने रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पे डेल्टा माइनस डेवलप कर दिया है। हैलोजेंस और एनओ और एसओआर के केस में थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए लोगों को आती है क्योंकि इसको लोगों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, या तुम लोग पढ़ते हो तो थोड़ा गड़बड़ कर जाते हो 11th 12th में जो भी पढ़ा होगा। ये होता ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही है, फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है क्लाउड की थिकनेस, जैसे 6 pi इलेक्ट्रॉन ओवरऑल बेंजीन में डिलोकलाइज कर रहे होते हैं, हैलोजन के लगने की वजह से 6 नहीं 5.9 पेयर ऑफ 5.9 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे होंगे, समझ रहे हो भैया? मतलब जैसे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी 6 pi इलेक्ट्रॉन की है बेंजीन की, जब उस पर हैलोजन लगा दोगे या एनओ लगा दोगे या एसओआर लगा दोगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मान लो इनके लगने की वजह से बेंजीन की 5.95 हो जाएगी, 6 नहीं होगी। लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को जो फील होगा कि भैया ये हैलोजन कितना भी बुरा है लेकिन हमको ऑर्थो पैरा पे इन्वाइट कर रहा है अटैक करने के लिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इसलिए कहा जाता है उनको। और ये स्लाइटली डीएक्टिवेटर का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझ गए। एसी इनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वही पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन लिखो लिखो लिखते रहो अभी। मतलब ये क्या था ना, अभी कंफ्यूज हो रहे थे काफी लोग कि वो कैसे हो रहा है स्लाइड डीएक्टिवेटर, इसलिए हमको अभी बताना पड़ गया। इसका अलग ही है ना, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर एक साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपको। डायरेक्टर सभी थोड़ी देर बाद फिर से बताना पड़ेगा हमको एरोमेटिसिटी के बाद। समझ रहे हो भैया? हटा दें इसको। अब लिख लो, जब लिख रहे हो तो मेटा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टर्स। हेडिंग लिखिए मेटा, META, मेटा डायरेक्टर्स। मेटा डायरेक्टर कब बोलते हो दोस्त, किसी को आइडिया? बहुत बढ़िया दोस्त, सुनो, मेटा डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, बेंजीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने जाता है। तो कोई बोले अगर हम कोई ग्रुप लगा दे बेंजीन पे तो ग्रुप जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मतलब डिस्टर्ब करेगा आने जाने में, है ना, तो वो ग्रुप मेटा डायरेक्टर कब होगा? तो ये बोलते हैं, सुनिए, NO2 लगाने पे, याद है आपको NO2 लगाते थे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता था? कहाँ कहाँ? ऑर्थो पैरा पोजिशन पे करता था। तो NO2 की वजह से डेल्टा पॉजिटिव कहाँ पे डेवलप होता था भाई? किस पे डेवलप होता था? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल तो क्या ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल सुनो तो नाइट्रोबेंजीन है ये, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रो, समझ में आ रहा है भैया? तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा जब नाइट्रोबेंजीन पे अटैक करने जाओगे? क्या इस ऑर्थो पैरा पे जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे भैया जहाँ पे उसको, समझ रहे? तो इसका मतलब क्या, वो मेटा पोजीशन बचती है जो अटैक करने जाएगा। तो जो माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, कर सकते हैं, ठीक रहे भैया? तो कोई बोले NO2 हो सकता है, वैसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R भी हो सकता है मेटा डायरेक्टर।
आप लिखोगे तो एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ओ एच भी हो सकता है मेटा डायरेक्टर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच भी हो सकता है मेटा डायरेक्टर, सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी मेटा डायरेक्टर हो सकता है, एल्डिहाइड्स लगा दो तो वो भी मेटा डायरेक्टर होंगे, कीटोन्स लगा दो तो वो भी मेटा डायरेक्टर होंगे, मतलब ऑर्थो पैरा पे जो भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा देगा, ठीक है भैया, ये पीएच 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 ऐसे है, तो जो भी ग्रुप ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा रहा है वो तो मेटा डायरेक्टर है ही, उसके अलावा भी और हो सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ दोस्ती, ये क्लियर है? और भी मेटा डायरेक्टर होते हैं, तुम बोलोगे और कैसे हो गए, हम बोल रहे हैं NF3 प्लस लगा दो, तुम बोलोगे सर ये तो NF3 प्लस तो रेजोनेंस शो ही नहीं करता, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं इसमें, माइनस एम नहीं है ना भैया, वो एफ टू प्लस लगा दो, बोलोगे ये साला कहां से आ गया, और पीएच आप NH3 प्लस लगा दो, NR3 प्लस लगा दो, कुछ भी लगा दो, समझ में आ रहा है दोस्त, CF3 लगा दो पीएच के बाद, सी सी एल थ्री लगा दो, सिर्फ माइनस आई इफेक्टिव वाले, ठीक है दोस्त, ओ एच टू प्लस या ओ आर टू प्लस लगा दो, ये भी मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, तुम बोलोगे सर ये वाले तो हमको समझ में आ रहे हैं, ये वाले भी समझ में आ रहे हैं, समझ में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे माइनस एम वाले हैं, तो माइनस एम वाले तो पक्का ऑर्थो पैरा पे डेल्टा प्लस डेवलप करा रहे होंगे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लेके आओगे रिएक्शन कराने के लिए, वो बोलेगा हम भैया ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएंगे, साले वहां प्लस बना के रखते हो, हम भी प्लस हैं, टकरा जाएंगे, मतलब क्या लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो वो उसको पास रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहां दिखेगी, भैया मेटा पे दिखेगी, तो बोलेगा हम मेटा पे जाके अटैक करेंगे और कहीं नहीं, हम मेटा पे जुड़ जाएंगे जाके, अगर अटैक करके रिएक्शन हो रही है तो, कोई बोले चलो ठीक है माइनस एम की वजह से वो बन रहा था, कोई बोले लो हमने इसमें NF3 प्लस OF2 प्लस NH3 प्लस ये सब कर दिया, ये इनमें से तो कोई मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है नहीं और ना ही इनमें किसी का माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, इन सब के जो इफेक्ट लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं, तो ये क्या माइनस आई इफेक्ट वाले भी मेटा डायरेक्टर होते हैं, कैसे होते हैं कौन बताएगा, बहुत बड़ी चीज है दोस्त, हमारे बैच में पूछते हैं लोग बता नहीं पाते हैं इसको, लोग अगर जानते हैं कि भैया माइनस आर इफेक्ट जो होता है, माइनस आर इफेक्ट वाले मेटा डायरेक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं तो हमको ये बता देते हैं, फिर हम पूछते हैं भैया माइनस आर के लिए मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी होता है, जैसे NO2 में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ तो किसी के पास मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, फिर भी ये मेटा डायरेक्टर है, इवन कुछ ज्यादा ही पावरफुल मेटा डायरेक्टर है, इन सब से भी ज्यादा हो सकते हैं, वो कैसे होते हैं, तुम बोलोगे सर इसका मतलब माइनस, तो हम वही बोल रहे थे जितने भी माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे रिएक्शन कराने के लिए खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो ऑर्थो पैरा पे ना जाके मेटा पे जाएगा, तो जितने माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो मेटा डायरेक्टर हैं, तो माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप को कैसे कह सकते हो कि मेटा डायरेक्टर हैं, कह सकते हो, आप लोग सोचना फिर बताना था, हम आज आपको अभी और दूसरी चीज पढ़ाते हैं इसलिए थोड़ा सोच देते हैं ना, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं ना कि आप हमको प्रूव करके दिखाना या हमको बताना कि वाई रीजन बताना कि वाई जितने माइनस आई जितने सिर्फ माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप होते हैं, ध्यान सुनना, जितने सिर्फ माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप होते हैं दे ऑल कैन बिहेव लाइक मेटा डायरेक्टर्स, इसका हमको रीजन आपको बताना है, पहले तो ये सब कॉपी कर लो, पहले सब कॉपी कर लो फिर हम अभी क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा है तुम लोग को, भैया ये क्या है ना ट्वेल्थ पास में वो नहीं चलता कि सीक्वेंस, अब इलेवेंथ में हमारा कभी नोट्स देखना बड़े कायदे में एक एक लाइन बताते हैं, एक लाइन बताएंगे फिर उसके आगे ऐसे मतलब टू द पॉइंट, तुम लोगों में भी यही करने लगे तुम मतलब तुमको क्या लगेगा वो इलेवेंथ की तरह पढ़ा रहे हैं, सिलेबस भी होने से रह गया तुम्हारा, उनको एक साल में पांच चैप्टर पढ़ाते हैं छह चैप्टर, तुम्हें एक साल में हमें थर्टी चैप्टर पढ़ाने, मतलब उनको 10 चैप्टर पढ़ाते हैं एक साल में, 10-11 है एक साल का, 6 महीने में तुम्हें सब पढ़ाना है, इसलिए जल्दी करो भैया, बताओ दोस्त इसको कॉपी कर लो पहले, तो
पार्शियली ट्रू, काफी हद तक ट्रू है तुम्हारा। वो पुल नहीं करते हैं अपनी तरफ, थोड़ा दूसरे तरीके बताया जाता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, मोर और लेस वो चीज आप सही बता रहे हो। और किसी का कोई, वो ये होता है कि पहले अटैक करवा देते हैं फिर पॉजिटिव बनाते हैं, वो पॉजिटिव उसी की खोपड़ी पे बनेगा इस जहाँ पे ये लगे हुए हैं, है ना। बताएंगे इसको, ऐसा नहीं नहीं बताएंगे, अभी आएगा ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, पहले इतना लिखो तो आपको पता तो हो। थोड़ा सा आप लोग जो दोनों बता रहे हो कॉमन है, हम बता देते हैं, पहले लिखो। ऑनलाइन वाला कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ बोलेगा बे? देखो दोस्त, आपने एक चीज तो लिख लिया होगा कि जितने माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं दे कैन बिहेव लाइक मेटा डायरेक्टर्स, गारंटी नहीं होती। कोई बोले क्यों गारंटी नहीं होती? मतलब बहुत सारे चीजें हैं, तो लिखिए, लिखो उसी में माइनस आर इफेक्टिव ग्रुप्स, माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स, माइनस आर, पहले तो इसी से कंक्लूजन बता रहे हैं ना, माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स कैन बिहेव लाइक मेटा डायरेक्टर्स बिकॉज माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स कैन बिहेव लाइक मेटा डायरेक्टर्स, माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स कैन बिहेव लाइक मेटा डायरेक्टर्स बिकॉज दे क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप कैन बिहेव लाइक मेटा डायरेक्टर्स बिकॉज दे क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड देयरफॉर बिकॉज दे क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बिकॉज दे क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड हेंस देयरफॉर इनवाइट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड हेंस या मतलब एंड देयरफॉर इनवाइट्स इनवाइट करेगा इनवाइट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड देयरफॉर इनवाइट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट रिलेटिवली भी ऐसे सॉरी एंड हेंस इनवाइट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच एंड हेंस invite incoming electrophile and hence invites incoming electrophile at relatively more electron rich metaposition and hence invites incoming electrophile and hence invites incoming electrophile at relatively more electron rich metaposition। समझ रहे हो भैया? बताओ बे, यही है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब अगले लाइन में लिखो, माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स, ऑल माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिखो, एक मिनट, ऑल ओनली, ऐसे ऑल के बाद लिखना था ओनली माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स, ऑल के बाद सिर्फ लिखो ओनली माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स, ऑल ओनली, ऑल के बाद सिर्फ माइनस आई, ओनली माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स एज वेल आर मेटा डायरेक्टर्स, एज वेल आर मेटा डायरेक्टर्स, एज वेल आर मेटा डायरेक्टर्स, है ना। अब इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट एक पेज की जगह प्रूफ के साथ हमको बताना पड़ेगा, तो आप हमें ऐसे लिखना लिखना है आपको
कि शो करो या एक्सप्लेन करो कि जो माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं दे कैन बिहेव लाइक मेटा डायरेक्टर्स. लिखो शो दैट. एक फुल पेज की चाहिए हमें जगह. शो दैट, क्योंकि तीन हमें तीन एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे. शो दैट माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स लाइक एन आर थ्री प्लस ओ एफ टू प्लस एटसेट्रा. शो दैट माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स. Show that minus I effective groups like NR3 plus. Show that minus I effective groups like NR3 plus, OF2 plus, etc. Can behave like metadirectors. Are metadirectors. Show that. Minus I effective groups like NR3 plus, OF2 plus, etc. are meta directors. एक full page की जगह छोड़ दो. नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे, ठीक है? कुछ समझ में आया आपको? Actually कहीं link की जरूरत पड़ गई थी इसलिए हमको ये बताना पड़ गया. तो आप लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है, कौन से meta director होते हैं, कौन से ortho para director होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है दोस्त? और रुको, अभी कितना, अभी 5 मिनट हम और बताएंगे फिर छोड़ते हैं. बिल्कुल 2 मिनट. अभी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं ये बहुत इजी चीज है. कंपेयर स्टेबिलिटी. अभी बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ वाला छूट गया है, उसको हम बाद में करा देंगे, है ना? एसिडिक बेसिक एरोमेटिसिटी के बाद. एरोमेटिसिटी का बेसिस आपको बता दें, अगर हम आपसे पूछते हैं स्टेबिलिटी बताओ इनमें, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस CH2+. Compare stability of following carbocations. लिखो. Compare stability of following carbocations. Compare stability of following carbocations. Compare stability of following carbocations. ये चार लिखे हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस. कैसे करोगे? सुनो, रेजोनेंस बार बार मत दिखाना आप. इजी ट्रिकी वाली चीज चलेगी, ट्रिक वाली. जल्दी करो भैया, लिख लो क्वेश्चन, हम बता रहे हैं. अब शॉर्टकट चलाएंगे ना, बहुत दिन हो गया थ्योरी. बताना जरूरी था एक बार सारा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके. आप कोई भी चीज उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, मतलब स्पेशली एज फार एज ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इज कंसर्न. अभी तक एरोमेटिसिटी के पहले वाले पोर्शन में शॉर्टकट ही लगाएंगे. देखिए, एरोमेटिसिटी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, कल वाली जो भी परसों जो भी है. इतना कॉपी कर लो जल्दी से. पहले वाले में अगर आप देखोगे, पहले वाले में तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे ही करके, और यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, और डेल्टा प्लस दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बे. इस वाले में अगर आप देखोगे एक्चुअल स्ट्रक्चर तो क्या आएगा, CH2 CH 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 CH2, और ये डबल बॉन्ड हर जगह डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, डेल्टा प्लस. आप ऐसे कह सकते हो, शॉर्टकट ये होता है इसका, एक पॉजिटिव चार्ज है, सुन लो, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन में डिलोकलाइज कर रहा है. पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में बताए हुए हैं. तो एक पॉजिटिव चार्ज दो पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में सेटिस्फाई हो रहा है. भाई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इसको खुश करने वाला. तो एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के, मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में स्टेबलाइज है, स्टेबल है. ये वाला पॉजिटिव चार्ज चार पाई इलेक्ट्रॉन में डिलोकलाइज है, ऑल्टरनेट पोजिशन पे है ना. ऑल्टरनेट पोजिशन पे डबल बॉन्ड होते हैं तो उन्हें कंजुगेटेड बोलते हैं. तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ये वाला पॉजिटिव चार्ज कितने पाई बॉन्ड में स्टेबलाइज है, 1 2 3
तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में डीलोकलाइज है या जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से एनकाउंटर हो रहा है उसका उतना ज्यादा उसको स्टेबलाइज्ड फील करेंगे हम लोग। ठीक है भैया, लास्ट वाला पॉजिटिव चार्ज भी तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में स्टेबलाइज है, तो पहले से ज्यादा स्टेबल सेकंड, सेकंड से ज्यादा स्टेबल थर्ड, और थर्ड फोर में कौन ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 3 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। बताओ फोर्थ क्यों, क्यों बे? प्लेनर स्पिट नहीं, एक्चुअली एक अलग टाइप की कैटेगरी बनाई जाती है मॉलिक्यूल्स की एरोमेटिक। लास्ट वाला पॉजिटिव चार्ज देखो, सेकंड लास्ट और लास्ट वाला इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, तो बोलते हैं कि देखो सेकंड लास्ट में भी आप देखोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डीलोकलाइज्ड है, लास्ट वाले में भी एक पॉजिटिव चार्ज 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डीलोकलाइज्ड है, लेकिन 3 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये एक अलग टाइप का सिस्टम है एरोमेटिक सिस्टम, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल सिस्टम कहे जाते हैं। वो लोग एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप इसमें लिखना है आपको ये है कि थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन में दोनों ही डीलोकलाइज है, पॉजिटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ भी डीलोकलाइज है, 3 पाई बॉन्ड या 6 पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ भी डीलोकलाइज है, यहाँ भी डीलोकलाइज है, स्टेबलाइज्ड है, डिस्पर्स हो रहा है, मूव कर रहा है, फिर भी लास्ट वाला इज मोर स्टेबल देन सेकेंड लास्ट। उसका रीजन आपको बताएंगे एरोमेटिसिटी, ये मॉलिक्यूल या ये वाला सेगमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल सेगमेंट कहा जाता है, और एक्स्ट्रा स्टेबल सेगमेंट क्यों कहा जाता है क्योंकि ये एरोमेटिक सेगमेंट है। तो बोलोगे ये क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो आप पहले ऑर्डर लिखो और ये लिख लेना कि एरोमेटिक सेगमेंट है, और बाकी शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ब्रेक ले सकते हैं अब आप लोग, थैंक यू। ऑनलाइन वालों जल्दी लिख लो, प्रेजेंट हो गए सब लोग की भाग गए तो चलो जल्दी करो। हो गया भैया तुम लोग से कॉपी कर लिया? अरे तुम लोग तो कॉपी कर ही लोगे।